इसको मैंने बंद रखा। आइए, अतुल गुड मॉर्निंग। अतुल के बाद सौरभ। गुड वाह, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अतुल, कैसे हो बेटा? अमेजिंग सर, व्हाट अबाउट यू? थैंक यू, गॉड इज वेरी काइंड। सौरभ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तू अपनी सिस्टर को कल ले आया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं सर, अच्छा ठीक है, कहीं बारिश वारिश, मैंने कहा कहीं और ज्यादा हो गई हो कुछ। नहीं सर, हुई ओके तो ज्यादा थी पर प्रॉब्लम नहीं आई सर। ओके ग्रेट ग्रेट, क्योंकि मेरे को तो खाने के डिब्बे नजर आ रहे थे तब यार, बड़े अच्छे से। मैंने कहा यार पीछे कोई खाने नहीं का सर, वो सामान है। मैं बाहर खड़ा पेड़ अच्छा के नीचे खड़ा था तो एक शॉप वाले ने बुला लिया सर कि आप यहाँ पे आ जाइए। ओके दैट्स ग्रेट। सो उसके बाद रितिका, गुड मॉर्निंग टू यू, गॉड गुड मॉर्निंग सर। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये बीटीटीएम 7th सेमेस्टर स्टूडेंट भाई, नाम चेंज करो अपने आप फटाफट। देखो मैंने आज अपना बैकड्रॉप चेंज कर लिया है, आप भी चेंज करो फटाफट जल्दी से। अमित, ओके अमित ग्रेट। अमित तो कल रात को भी था कल अमित सर, रात को भी। अमित गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड सर। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम सो वेरी हैप्पी, आई एम सो वेरी हैप्पी। सो 250 रुपए कल जीत गए हैं रात को अतुल जी, और 250 रुपए जीत गए हैं करण पाल। ओके ग्रेट भाई, ये सारा हिसाब कौन रखेगा, क्योंकि वीकली पेमेंट हुआ करेगी, हमारे बही खाते के अंदर रोज लिखना जरूरी होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बाद में, तो प्रॉब्लम आएगी। महेश जी जो है वो फिर मुझे पकड़ लेंगे, ठीक है? तो आपको नोट करके जी रखना है, ठीक है ना? या जो 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 पैसों का मामला है वो फिर हम चित्रा मैम को रिक्वेस्ट करें, किसको करें? हाँ, हमें से ही कोई कर ले तो ठीक है, ज्यादा अच्छा है यार। चित्रा मैम को क्यों डिस्टर्ब करें उसके लिए। ये बीटीटीएम 7th सेमेस्टर, यार अमित क्या प्रॉब्लम? अमित तो आ गया है, देयर इज समबडी एल्स। बीटीटीएम कविता, ओके सर। कविता हैज कम, ग्रेट। ओके कविता हैज आल्सो जॉइंड। मैं 3 4 मिनट देना चाहता हूँ सबको, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे, सो दैट यू नो एवरीबडी गेट्स इट, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए। किसी ने कोई बात शेयर करनी हो इनिशियली, कल से अब तक का कोई एक्सपीरियंस रहा हो, कोई ऐसी चीज यू माइट हैव कम अक्रॉस, क्योंकि टूरिज्म तो सब कुछ है ना, टूरिज्म तो जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ही टूरिज्म है। तो एनीबडी एनीथिंग इंपॉर्टेंट यू वुड लाइक टू शेयर? मेरे को चार्ली चैपलिन का एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है, चार्ली चैपलिन की एक फोटो भी निकाली थी चित्रा मैम ने, मुझे बड़ी याद है। बारिश हो रही होती है और बारिश के अंदर वो भीगा हुआ होता है, वो कहता है बारिश में मैं इसलिए भीगता हूं कि ताकि लोगों को मेरे आंसू और मेरा दुख नजर ना आए। आया क्या आदमी था चार्ली चैपलिन, लोगों को। एक मुकेश का भी तो गाना आया था, अपने पे हंस के जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, बड़ा अच्छा गाना था। पता नहीं क्या है, दुनिया ना रो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, याद है? कहता है जोकर, क्या बढ़िया गाना था, बहुत अच्छे से। हमारे में गुड से गुड मॉर्निंग कविता, ओके हमारे मॉर्निंग में से सौरभ, तेरे को तो पता होगा, तू सीक्रेट जरा मेरे को बता या अतुल बताए, हमारी क्लास में गाते कौन कौन है? सर। अभिनव सर रैप करते हैं सर, दो लड़के, एक राहुल हो गया, एक राहुल तो गिरी, नहीं, एक तो और एक अभिनव, अभिनव है। अभिनव अभिनव तो कल आया था ना? अभिनव रैप के अलावा गा भी लेता है सर वो। अच्छा रैप भी है और सिंगर भी है, यस ओके सर। गुड। सर दूसरा किसका बताया? रितिका भी गाती है। अच्छा रितिका भी गाती है, ओके रितिका, ओके। उसके बाद तीसरा कौन बताया था? राहुल राहुल, राहुल गिरी। बता राहुल गिरी, यस सर। अच्छा राहुल गिरी, ओके राहुल गिरी ग्रेट, राहुल गिरी, ओके फाइन फाइन, ओके चलो। अब ऐसा है कि बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, हम लोग अपना रितिका रितिका रितिका
अनम्यूट करो अपने माइक को. यस सर. आपके कोर्समेट्स और आपके क्लासमेट्स ने आपका नाम प्रपोज किया है, तो एक कोई गाना सुबह सुबह सुनाओ सो दैट ये सब एनर्जेटिक हो जाए टूरिज्म में. टूरिज्म सॉन्ग, कोई भी टूरिज्म सॉन्ग जिससे सब एनर्जेटिक हो जाए. देयर इज अ म्यूजिकल टूरिज्म ऑल्सो, उसको इवेंट मैनेजमेंट भी कहते हैं, उसको इवेंट प्लानिंग भी कहते हैं, उसको इवेंट मार्केटिंग भी कहते हैं, उसको इवेंट पैकेजिंग भी कहते हैं, और उसको चित्रा मैम माइस इंडस्ट्री भी कहते हैं. कोई एक लाइन सुनाओ फटाफट जल्दी से ताकि सारे लोग कहें कि हाँ भाई चलो. कोई भी सॉन्ग कैसा भी किसी भी भाषा में, क्योंकि म्यूजिक हैज गॉट नो लैंग्वेज. कविता मराठी में भी गा सकती है, वी हैव नो प्रॉब्लम्स. हाँ शाबाश. चलिए. यस सर. दिल को रात नहीं मेरे को याद ही नहीं आ रहा अभी. इतने सारे गाने हैं बच्चे, बच्चे इतने सारे गाने हैं, इतने सारे गाने हैं, कोई सा भी गाना. शाबाश शाबाश. इट्स अ म्यूजिकल टूरिज्म. यस सर. दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, आगे नहीं आता सर. चलो कोई बात नहीं. अब आप ये सोचो कि आप टूरिस्ट को लेके जा रहे हो, आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो, नेशनल पार्क में हो, टाइगर रिजर्व में हो, और शाम को एक होती है बॉनफायर. दैट मींस एक कल्चरल प्रोग्राम होता है जहां पर डांस होता है, म्यूजिक होता है. अगर आप खुद से गाएंगे तो आपके टूरिस्ट भी खुश रहेंगे, वो लोग भी खुश रहेंगे. और देखो अभी मैंने आज अपना एक बैकड्रॉप लगाया है, आपने देखा मेरा बैकड्रॉप? यस सर. आपने देखा क्या चीज है? ITFT भी हो गया, 27 इयर्स भी हो गया, BTTM 7th सेमेस्टर भी हो गया, ऑगस्ट 21 भी हो गया, टूरिज्म भी हो गया, एजुकेशन भी हो गया, स्किल्स भी हो गया, ई लर्निंग भी हो गया. अब कल से आज का दिन कोई बात नहीं, एक दिन देंगे, रोज आप अपना बैकड्रॉप चेंज करोगे और आप टूरिज्म का एक बैकड्रॉप सब लगाओगे अपनी अपनी पसंद का, जो आपको पसंद है. टूरिज्म का एक बैकड्रॉप आप लगाओगे, एवरी डे यू विल पुट इट, एंड दैट इज द वे वी विल वर्क आउट, वी विल प्लान इट आउट, एंड वी विल थिंक अबाउट इट. ये क्या है जी, न्यू चंडीगढ़? हाँ करो ना, आप करिए ना, आप करिए. हाँ कर लीजिए, उससे पहले बात कर लीजिए आप. अच्छा जी, सॉरी. हाँ चलिए प्लीज. तो कल से हम एक बैकड्रॉप लगाएंगे पीछे अपनी पसंद का, उससे मुझे आपकी पर्सनालिटी का पता लगेगा हर एक का, कि किसकी पर्सनालिटी कैसी है, किसको क्या अच्छा लगता है. अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है म्यूजिक, अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो खाने का, अगर आपको खाना खाना अच्छा लगता है तो खाते हुए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल से हम एक टूरिज्म का बैकड्रॉप रोज लगाएंगे, बिकॉज टूरिज्म इज प्रैक्टिकल, टूरिज्म इज नॉट थ्योरी. हर एक कोई अपना बैकड्रॉप लगाएगा. अमित है बेचारा, पिछले 3 दिन से इसी पत्थर पे बैठा है, ये नहीं कि यहां से चलूं. वो अतुल है, वो बेचारा इसी टी शर्ट में 3 दिन से इसी पानी के ऊपर बेचारा, इसी नदी के किनारे. ये पता नहीं तालाब है कि नाला है कि नदी है कि पहाड़ है या क्या है, बेचारा वहीं का वहीं है. तो मुझे अतुल को भी मूव करना है वहां से. तो वी हैव टू ब्रिंग वन टूरिज्म बैकड्रॉप एवरी डे. बट शर्त ये है, शर्त यह है कि वो इंडियन टूरिज्म का होगा, ग्लोबल टूरिज्म का नहीं, इंडियन टूरिज्म का, समथिंग ऑफ दैट काइंड. स्वेट स्माइल, स्वेट अंडरस्कोर स्माइल. वाओ, थैंक यू यार. मुझे कल एक और चीज पता लगी है अमित, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. समबडी टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, जब मैं वॉक पे गया सुबह सुबह, जब मैं जाता हूँ वॉक पे तो मैं पेड़ों से बात करता हूँ और पेड़ों के नीचे खड़ा होता हूँ. तो मैंने आज एक पीपल के पेड़ से बातचीत की, मैंने कहा तुम कैसे हो? उसने मुझसे पूछा तुम कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ. उसने कहा मैं भी ठीक हूँ. तो मैंने कहा कोरोना में तुम्हें कैसे लग रहा है? उसने मेरे से पूछा तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने कहा यार मेरा टूरिज्म ठप पड़ा है यार, मेरे टूरिज्म के जितने भी लोग हैं
उन बेचारों का बिजनेस जो है बड़ा बहुत बुरी तरीके से हो गया है, मेरी होटल इंडस्ट्री भी बंद रही है। तो पीपल ने मुझे कहा, देखो यार ऐसे मत कहो, मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन देखो मैं तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता हूं और मैंने आप सबको ऑक्सीजन दी है। तो इसलिए फिर उसने मुझे ये कहा कि जो कुछ देने में अच्छा लगता है, जो किसी और को खुश होने में लगता है, वो वैसे अच्छा नहीं लगता। सो वी शुड ट्राई एंड गिव टू अदर्स एज मच एज वी कैन, इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मुझे क्या मिलेगा। मेरे को इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है, आई वॉज टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल कि यार मुझे टूरिज्म को एक अलग तरीके से पैकेज करना है, टूरिज्म को अलग तरीके से रिवाइव करना है। और मैं आज आपको ये बात बोल रहा हूं, 31 दिसंबर 2021 को हम लोग सब इकट्ठे रात को एक पार्टी करेंगे, सब इकट्ठे करेंगे, और उस पार्टी के अंदर मैं आप सबका, आपके हाथ में ये कहोगे, तुम कहोगे मैं स्टार्टअप हूं, तुम कहोगे मैं एंटरप्रेन्योर हूं, तुम कहोगे मैं विदेश जा रहा हूं या जा रही हूं, और कोई भी हम में से ऐसा नहीं रहेगा जो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिकली चैनलाइज नहीं होगा। मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरी जितनी भी नेटवर्किंग है, मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं सबको अपने साथ जोड़ के आई विल ट्राई एंड वर्क इट आउट कि आप सबको मैं स्ट्रेटजिकली चैनलाइज करूं। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दो हाथ से बजती है। आपको ही उतना ट्रैवल करना पड़ेगा, नहीं तो बेचारा अतुल उस पानी के पास ही खड़ा रहेगा, अमित तो बेचारा उस पत्थर पे ही बैठा रहेगा, और ठीक है ना, तो और फिर वो मेरे को सौरभ जो है वो पीछे खाने के अच्छे अच्छे डिब्बे दिखाता रहेगा और मेरे मेरे मन को ललचाता रहेगा और मुझे देगा कुछ नहीं, वो तो ठीक नहीं है। प्रियंका मम्मा कैसी हैं और आप कैसे हैं बेटा? सर शी इज ऑलराइट, जस्ट मैं अभी हॉस्पिटल से ही आई थी मेडिसिन लेके, इसलिए मैं 15 मिनट लेट हो गई क्लास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तुम्हारे सारे कोर्समेट्स, तुम्हारे सारे लोग, सब कुछ, सब तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि प्रियंका को हम कहीं मार्केटिंग में इन्वॉल्व करें, तो मैं जरूर कहीं आपको अपने साथ जोड़ूंगा। और जो मेरे अमेरिका के प्रोफेसर आते हैं हर सैटरडे, सॉरी अपोलोजीज, हर संडे रात को जो 8 बजे आते हैं, He is a professor of marketing from America. मैं उनके साथ भी आपको मिलवाऊंगा Zoom के ऊपर और हम लोग बातचीत करेंगे आगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आपने जो भी डिजाइनिंग सीखा है, क्रिएटिविटी सीखा है, उन सब चीज को भी हम आगे लेकर चलेंगे। तो हम जरा थोड़े से देखो, अतुल तुम, मैं चाहे तुम अतुल निक्कर में बैठे हो, चाहे तुम टी शर्ट में बैठे हो, चाहे तुम बॉक्सर की ड्रेस में बैठे हो, क्योंकि 41 इयर्स के बाद तुमने हॉकी में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है जर्मनी के अगेंस्ट, तो मेरे को यस, सौरभ कह रहा है यस, वेरी गुड। तो एक बार मैं आस्ता आस्ता आपको लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रोज टिक लगाता हूं कि आज किसने गोल्ड की बारी है, अब किसकी है गोल्ड की। सर आज मैच है रवि कुमार दहिया का, यस रेसलर है सर। अच्छा ओके, रवि कुमार दहिया, ओके। अतुल कैमरा इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कोई बात नहीं अतुल, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैमरा को ठीक करें, क्योंकि 12 तारीख को आपको पता है ना हमारा बहुत बड़ा फंक्शन है, नहीं तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। 12 तारीख को मैं चाहूंगा पूरा वर्ल्ड आप लोगों को देखे, यार मेरे को तैयार करना है, आज 5 तारीख हो गया, मेरे पास एक हफ्ता बचा है पूरा, आज थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे। तो ड्रेस तुम्हारी पसंद की, बैकड्रॉप तुम्हारी पसंद का, सब कुछ तुम्हारी पसंद का, तो सारा कुछ वर्कआउट करेंगे। प्रियंका लिख रही है I will come on my camera in few minutes. Great. Thank you, Priyanka. तो रितिका तुम भी अपना कैमरे का देखो तुम्हारा क्या है, उसी तरीके से अमित जी आप भी जरा देखो, अगर आप कृपा करके स्वरूप दिखा सकते हैं लॉर्ड शिवा की तरह तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, आप अपना स्वरूप दिखाइए। और कनिष्का जी आपका भी देखे, या अमित I get lot of energy क्योंकि तुम काम करते हो तो रात को तुम बहुत मेहनत करते हो, सुबह सुबह सोते हो और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम में भी आते हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा वो करण था, मैं सोचा अमित था, फिर मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और फिर उसको करण को देता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है अमित, ओके। तो अभी हो गए, देखो भाई अतुल हो गया, सौरभ हो गया, रितिका हो गए, और अमित हो गया, और कविता हो गए, कनिष्का हो गए, अब ये कोई और भी आए हैं मानुभाव,
ये BTTM 7th सेमेस्टर, इनका भी जरा बता दीजिए भाई, अपना नाम लिख दो, हम नाम बदल देंगे आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें बताइए, सो दैट वी कैन हैव एंड शुड बी स्टार्ट, क्योंकि 10 में से मैं और चित्रा हैं और बाकी 8 लोग हैं, तो ये तो मजा नहीं आ रहा ना, इसका मतलब आपके क्लासमेट आपकी बात नहीं मानते, आपके क्लासमेट आपकी बात नहीं सुनते, और उन लोगों ने अपने मोबाइल भी ऑफ किए हुए हैं, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए तो मोबाइल उनका जरूर चल रहा होगा, साला हमारे साथ ही मोबाइल नंबर बदल लिया है, ये तो अच्छी बात नहीं है फिर, दैट्स नॉट गुड ना, ऐसा तो मत करो ना भाई, ऐसा तो मत करो दोस्तों, ये तो अच्छी बात नहीं है, फिर हमको फिर वो मुकेश का ही गाना गाना पड़ेगा संगम का, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, दोस्तों हमें तुम्हारा एतबार ना रहा, फिर वो तो गलत हो जाएगा ना, तो मैं तो वो गाना चाहता हूँ जो सुनील दत्त जी का था, मुझे पता नहीं कौन सी मूवी का गाना था, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, बड़ा अच्छा गाना था। चलिए आइए आज की हम PPT को थोड़ा स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, और मैं आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज शेयर करूंगा और हम उस चीज को आगे लेकर चलेंगे, वर्कआउट करेंगे, और जब आप लोगों को दिखाई दे तो मुझे बताइएगा कि हाँ भाई दिखाई दे रहा है, कोई भी आप में से बता सकता है, ग्रेट ग्रेट, तो हम इसको देख के चलते हैं और हम इसको फुल स्क्रीन पे लेके जाना चाहते हैं, तो हम इसको फुल स्क्रीन पे भी लेके चलते हैं, जरा एक मिनट, इसको हम स्टॉप शेयर करते हैं पहले, और हम यहाँ पर फुल स्क्रीन में ये आ गया, और इसके अंदर कोई गाना चलाना होगा तो नीचे मैं उसको पहले से ही कर लूं, और इसके बाद ये आ गया, ठीक है, तो ये आया। चलिए अब हम इसको लेके चलते हैं सारे को, और सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ग्रेट, इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूं, और बड़ा हो गया? यस सर। ओके, अब समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग वी ऑल आर गोइंग टू शेयर, अपना कॉपी पेन पेपर साथ में रखिएगा। कल की कोई चीज पेंडिंग है? एक तो अवार्ड की मैंने बात करी थी, कल हमने कोई क्वेश्चन छोड़ के गए थे हम, कल सुबह वाले लेक्चर में कोई क्वेश्चन छोड़ के गए थे हम? सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, प्लीज। वो नहीं, मुझे बस यही बताना था कि आपके स्क्रीन पे कुछ ग्रे कलर के बॉक्सेस आ रहे हैं, तो एक तो अभी हट गया, 3 अभी भी आ रहे हैं, पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, ये तो बड़ी खराब बात है, चित्रा मैम ने कुछ किया होगा, तो क्योंकि चित्रा मैम ही बनाते हैं, तो मैं स्टॉप शेयर भी करता हूँ एक बार, ये लीजिए मैंने स्टॉप शेयर भी कर दिया, और आप मेरे एनी डेस्क पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चित्रा मैम, और आप एनी डेस्क से खुद कर सकते हैं, देखिए क्यों आ रहा है ऐसा, तो तब तक मैं इन लोगों से बातचीत करता हूँ। कल कोई हमारा सवाल रह तो नहीं गया था मॉर्निंग वाले सेशन में? वॉज देर एनी क्वेश्चन लेफ्ट ओवर इन द मॉर्निंग, कोई चीज? नो सर। और कल रात का भी जो हमने डिस्कस किया था वो भी हमारा हो गया था कल रात का? yes, मैंने yes. दोनों विनर्स का भी मैंने डिस्कस कर लिया था, और सब लोग खुश हैं कि मैंने सबका नाम कल रात को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका नाम ले दिया था हमने। yes, sir. कोई दिक्कत yes, तो नहीं थी उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आज सुबह पार्टिसिपेट करेंगे उनका आज रात को नाम लूंगा, और आज गोल्फ के लोग आ रहे हैं भैया, गोल्फ के लोग आ रहे हैं, और वो गोल्फ वाले जो है, आपको एक याद होगा एक मूवी आई थी लोफर, धर्मेंद्र थे उसमें, और वो एक हरे से ग्रीन पैच में खड़े होके धर्मेंद्र जी अकेले गाते हैं, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, ये वाला गाना गोल्फ ग्राउंड में रात को जो आज आ रहे हैं वो गाएंगे, और वो बहुत बढ़िया सिंगर भी हैं, गोल्फर भी हैं, और वो आपको आज नए नए टिप्स बताएंगे कि यार गोल्फ में कहां जॉब्स हैं, आगे गोल्फ में आगे जॉब्स कहां मिल सकते हैं, ये आज रात को बातचीत होगी, हम सबकी इकट्ठे डिस्कशन होगा, उसकी हम बातचीत करेंगे आज की रात को, एंड दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली ऑन गोल्फ टूरिज्म। चित्रा मैम एनीथिंग, और शुड वी गो अहेड? चित्रा मैम
सर वो एक्चुअली ना ये बस बीच में जो आ रहा है ना सर, ये जो टैब इसके कारण वो दिख रहा है शायद, ये हट जाएगा तो फिर वो हट जाएगा। ये कैसे हटेगा अब आपको पता होना चाहिए ना, वो तो आप जानते हैं, मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में। जी जी सर, ये अपने आप हटेगा जब आप फर्दर आगे जाएंगे ना, फिर हट। अच्छा, जब आगे जाएंगे तो ये अपने आप हटेगा, ठीक। चलो, सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस। ओके, सो BTTM 7th सेमेस्टर, थर्सडे 5th ऑफ अगस्त 2021, यू आर द बेस्ट यूथ ऑन दिस प्लैनेट। आज की सुबह हर एक कोई महसूस करे, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। पर ऐसे मत कहने लग जाना बाकियों को, ये तो मैं कह रहा हूं, आपने कहना है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। शीशे के सामने खड़े होकर, मुस्कुरा कर, अच्छे से, बढ़िया से अपने आप को बोलना। चलिए आगे चलते हैं हम। आप, ये आपका कोर्स कल चित्रा मैम ने आप लोगों के साथ बातचीत की थी, डिस्कस किया था, एंड शी टोल्ड, क्योंकि नए लोग रोज जुड़ रहे हैं, किसी को तकलीफ ना हो इसलिए हम इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो BTTM 701 में चित्रा मैम ने कहा था अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स होगा, ये वीक में दो बार हुआ करेगा, और ये हम स्टार्ट करेंगे समवेयर अराउंड 20th अगस्त के बाद। उसके बाद है BTTM 702 टूरिज्म प्रमोशन, BTTM 703 रिसर्च प्रोजेक्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मैं आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाने वाला हूं, बहुत सारे लोगों, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, मेरे को सर्विसेज मार्केटिंग में कहां जाना है, मुझे हर एक बच्चे को पॉकेट मनी मिले, जॉब मिले, और हर एक बच्चा कहीं ना कहीं प्लेस हो, हमारा ये एफर्ट है। अगर ये एफर्ट है तो हमको रिसर्च वो करनी है जो हमारे काम की है। उसके बाद आ गया BTTM 704 आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स। अब ये हालांकि मेरे हिसाब से, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आई एम नॉट वेरी कीन अबाउट आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स। हम उतना ही सिलेबाई करेंगे जितना यूनिवर्सिटी चाहती है, बाकी हम एफर्ट्स मारेंगे डोमेस्टिक टूरिज्म एंड इनबाउंड टूरिज्म। सर ऑपरेशंस है सर, आउटबाउंड टूर ऑपरेशंस। वो ऑपरेशंस के अंदर टूर ऑपरेटर ही तो करेगा, ऑपरेशन कौन करेगा? ऑपरेशन कौन करता है, सर्जरी कौन करता है, डॉक्टर ही करेगा ना तो टूर ऑपरेटर ही करेगा। अब टूर ऑपरेटर करेगा तो टूर पैकेजिंग करेगा, कोरोना के बाद नई पैकेजिंग करेगा, नए तरीके से पैक करेगा, उसके बाद ये सोचेगा कौन सी कंट्री में वीजा आराम से मिल रहा है, कौन सी कंट्री में वैक्सीनेशन के साथ घुसने दे रहे हैं, जैसे अभी कनाडा में इंडिया के वैक्सीनेशन के साथ नहीं घुसने दे रहे। कल मेरे कुछ दोस्त गए हैं जो सिर फिरे हैं और जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा है, वो लोग वाया मेक्सिको जा रहे हैं, मेक्सिको 2.5 लाख रुपए आपसे चार्ज कर रहा है वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देने का, तो 2.5 लाख रुपया लोग देके जा रहे हैं। तो मैं ऑपरेशन की जब बात करूंगा तो है तो बेसिकली टूर ऑपरेटर, आप उसको टूर पैकेजिंग कहिए, आप टूर ऑपरेटर कहिए, टूर ऑपरेशन कहिए, टूर एक्सकर्शन कहिए, जो मर्जी वर्ड यूज कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, दैट्स डजंट मेक ए डिफरेंस, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड इट इज आउटबाउंड ट्रैवल है। उसके बाद एक्सक्यूज मी, BTTM 705 आ गया, इसमें सर्विसेज मार्केटिंग की बात होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाऊंगा, और इसके अंदर जैसा मैंने आपको ये बताया कि मैं कुछ ऐसे लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा कि आप अपने आप को पिंच करके देखोगे कि यार ये लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, ओ माय गॉड, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। मेरा एम ये है, सबसे पहले अपने घर में अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना, अपने सब स्टूडेंट्स को तैयार करके उनकी पैकेजिंग करना, और पैकेजिंग करके उनको पेश करना, और वो सब चीज मैं सिस्टमैटिक ढंग से करूंगा। 12 अगस्त के लिए मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद एक प्रोग्राम 19 अगस्त को भी आ रहा है, ठीक है, वो चित्रा मैम आपको बताएंगी बाद में। उसके बाद 27 सितंबर आ रहा है, फिर बीच में 5 सितंबर भी आ रहा है। अब 27 सितंबर क्या है जी, वर्ल्ड टूरिज्म डे है, तो हम बहुत सारी चीजें वहां भी वर्कआउट करेंगे। फिर एक और है 5 सितंबर, इंडिया टीचर्स डे है और इंडिया का एजुकेशन डे है। उसी तरीके से 5 अक्टूबर आएगा, 5 अक्टूबर क्या है, वर्ल्ड टीचर्स डे। उसके बाद अक्टूबर में कुछ और चीजें आएंगी,
हमको इनोवेटिव वे में सब चीज को लेके चलना है, मुझे प्रैक्टिकल बात करनी है, कुछ भी थ्योरेटिकल बात नहीं करनी है। और मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी मास्टर्स इन टूरिज्म किया था तो मैंने टूरिज्म की किताबों को नॉवल की तरह पढ़ा था और अपने एग्जाम में किताब से कुछ नहीं लिखा था, जो कुछ प्रैक्टिकल था वो लिखा था। एंड गॉड वॉज एक्स्ट्रा काइंड टू मी, आई गॉट सेकेंड पोजिशन इन द यूनिवर्सिटी, आई कैन नेवर फॉरगेट। तो किताबों में तो ठीक है, पास करने के लिए फेल नहीं होना है, फ्लंक नहीं होना है और रीअपियर नहीं आना चाहिए, बस मेरे को उससे ज्यादा नहीं चाहिए। बाकी हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। मुझे आपको रोकड़ा कमाना है, मुझे आपको जॉब दिलवाना है, मुझे आपको एंटरप्रेन्योर बनाना है। और इस समय बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है इस समय, तो हमें बहुत सारी चीजों को सोचना है। और हम सोचेंगे तो हो सकता है ये छोटा सा ग्रुप पूरे भारत को ही बदल दे, ये छोटा सा ग्रुप सारे ट्रैवल एंड टूरिज्म को, लोगों को बदल दे। और एक चीज को ध्यान रखिएगा, कोई आदमी जो ये कहता है कि मैं 30 साल से इस प्रोफेशन में हूं, हो सकता है जो 3 साल से इसका पढ़ाई कर रहा है वो 30 साल वाले को ओवरटेक कर जाए। रिमेंबर दैट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 30 साल से टूरिज्म में है कि 3 साल से टूरिज्म में है, डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है। क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, सबको अलग अलग आइडिया दिए हैं। हर एक आदमी मार्केटिंग में अच्छा नहीं हो सकता, हर एक इंसान पब्लिक रिलेशन में अच्छा नहीं हो सकता, हर एक आदमी प्लानिंग में अच्छा नहीं हो सकता। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम आएंगे BTTM का जो नेक्स्ट है 706, उसमें जो आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, फिर मैंने आपसे बातचीत किया था, ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फिर हम पर्सनल हाइजीन और आपके प्रोडक्ट की हाइजीन, आपके होटल की हाइजीन, आपके ट्रैवल ट्रेड की हाइजीन, आपके ऑफिस की हाइजीन, हम नई नई चीजें करेंगे ना, वर्कआउट करेंगे। फिर उसके बाद इलेक्टिव आया था अगर आपको याद हो, और इलेक्टिव में चित्रा मैम ने आपको यूरोप और अमेरिका, और हमने कहा था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों, यानी कि यूएसए की भी बातचीत करेंगे, कनाडा की भी बात करेंगे, और मैं आपको लैटिन अमेरिका भी लेके चलूंगा। क्योंकि मेरी आंखों के सामने 1988 के अंदर व्हेन इको टूरिज्म वाज कमिंग अप, तो मैं कोस्टा रिका, वेनेजुएला, ब्राजील और उसके बाद चिली, उसके बाद पेरू, उसके बाद मैक्सिको, वो पूरा एंजॉय करके आया था मैं 1988 में। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी विल डू इट। और उसके बाद ऑफ कोर्स मेंटोरिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसको भी हम लेकर चलेंगे, वर्कआउट करेंगे और प्लान करेंगे। अब आ गया नेक्स्ट। अपनी अपनी नोटबुक पे या अपने अपने मोबाइल पे या अपने अपने लैपटॉप पे टाइप कर लीजिए और लिख लीजिए, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मुझे कल आप लोगों से चाहिए कि ट्रैवल एंड टूरिज्म की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आपके, पहले तो मैं वर्ल्ड ओवर की बात कर लेता हूं, अगर मुझे इंडिया में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। हमको ये पता करना है कि एडटेक प्लेटफॉर्म कौन से हैं टूरिज्म के, क्योंकि इस कोरोना के टाइम में, इस COVID-19 के टाइम में हर जगह पढ़ाई हो रही है, डिजिटल वे में हो रही है, एडटेक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो रही है। अगर एडटेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही है तो हम ये पता करेंगे कि वर्ल्ड के 10 बेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म टूरिज्म के कौन से हैं जो टूरिज्म पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको अपनी नॉलेज को आगे तक लेके चलना है। हो सकता है आप में से कल को कोई स्टार्टअप एडटेक प्लेटफॉर्म का बन जाए, जो कहे कि मैं एडटेक प्लेटफॉर्म टूरिज्म का प्रोवाइड करता हूं। व्हाई कांट वी हैव एडटेक प्लेटफॉर्म फॉर टूरिज्म एजुकेशन एंड स्किल्स, इसके बारे में हम जरूर बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, और कल आप लोग मेरे से शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि अपने अपने हिसाब से कि वर्ल्ड के बेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म टूरिज्म के ये हैं, इनको हम लेके चल सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए एप्स। आपने एप्स के बारे में बातचीत की थी, आइए एप्स के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। जैसे ट्रेवल एंड लेजर ऐप एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके बाद टूर गाइड ट्रैवल एप्स, फिर लैंग्वेज असिस्टेंट ट्रैवल एप्स, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एप्स। कल कोई रेड बस की और मेक माई ट्रिप की और yatra.com की बातचीत कर रहा था, फिर किसी ने ट्रिवैगो की बातचीत की, तो ये सब चीजें। फिर ट्रैवल डील लिस्टिंग ऐप है, फिर कार और व्हीकल के रेंटल के एप्स हैं। ये एक आपको बेसिक फ्रेमवर्क है
कल हर कोई आप में से दो दो ऐप बताएगा अलग अलग कि ये ट्रैवल या टूरिज्म के ऐप्स हैं जिनको हम आगे यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा वो रैप वाले बच्चे को मैंने कल कहा था या किसी और ने भी बताया था कि 360 का वर्चुअल टूर है, तो मैंने कहा था कि कल आप अपनी दो वीडियोस दिखाना, तो आज वो भी इस डिस्कशन के बाद हम करेंगे। उसके बाद इस कोरोना के आने से पहले या कोरोना के दौरान में आप देखते हैं अगस्त 2019 के अंदर, ये मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव ले रहा हूं, इंडिया का नहीं ले रहा हूं, ये चार ऐप हैं टूरिज्म के, ये टूरिज्म के स्टार्टअप्स हैं इंपार्टिंग स्मार्ट सिटीज। जब इनकी हम बातचीत कर रहे हैं तो आप ये देखिए आपके सामने ये चार किए गए हैं और जिनको बताया गया है, और ये पर्टिकुलरली चार टॉप टूरिज्म के स्टार्टअप इंपैक्टिंग स्मार्ट सिटीज के एप्स हैं। इनको आप ध्यान से अपने टाइम में देखिए, सब कुछ है, ये वीडियो अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको रात को भी रिपीट कर दूंगा ताकि आप YouTube से भी कभी भी उठा सकते हैं। ये आ गया आपका, ये देखिए आप, आपके ये आने से पहले करोना, मेक माई ट्रिप, गो अबीबो, थ्रिल ओपिला ओपिला, देन नियरिफाई एंड देन क्लियर ट्रिप। ये सारे इंडिया के, अगर इन सब चीजों को भी ध्यान से देखिएगा कि ये क्या क्या हैं, कैसे हैं। उसके बाद टॉप 10 इंडियन ट्रैवल स्टार्टअप्स इन 2018, 2020 में कोरोना आया लेकिन उससे पहले आपकी कंट्री में, हमारी कंट्री में, हमारे भारत में जो इंडिया टूरिज्म के स्टार्टअप्स थे 2018 में, हम उसकी थोड़ी सी बातचीत करेंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और इसको हम एक मिनट लेके चलना चाहते हैं, अगर हम इसको स्टॉप शेयर करते हैं तो स्क्रीन शॉप हो जाती है, और अगर हम इसको इसके साथ लिंक करते हैं तो ये आपका यहां आ गया, तो ये क्यों नहीं जाना चाहिए, यू आर स्क्रीन शेयरिंग तो ठीक है पर ये बार नहीं आनी चाहिए ना यहाँ पे। एक मिनट, ये चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं मानते तो ना माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई वांटेड टू शेयर। सर वो लिंक को हम ऊपर कर देते हैं, सर मैं लिंक को करती हूं, मैं एक मिनट एनी डेस्क पे आ रही हूं सर। अच्छा, इस लिंक को अगर हम ऊपर कर दें, हाँ वो भी बात ठीक है आपकी। और देखो इसके चित्र मैम, आपको तो 100 रुपीज नहीं मिल सकते ना कि ये आइडिया आपको क्यों आया, मेरे को क्यों नहीं आया, ये आपको तो नहीं मिल सकते, यू आर नॉट द कंटेस्टेंट, ये तो स्टूडेंट्स को ही जाना है ना, ये तो स्टूडेंट्स। आप तो हिमाचल यूनिवर्सिटी से अच्छे से MTA वहां से सारा कुछ करके, और देखो 12-13 साल पहले कैसे अच्छे से आपने ये आना चाहिए, ये आते ही। अच्छा कोई बात नहीं भाई साहब, नो प्रॉब्लम, आप खुश रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ऐसा क्यों है, ये आज ऐसी तकलीफ क्यों दे रहा है, ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए इसको, ऊपर ही ले जाते हैं। हाँ और ही बस एक सेकंड, इसको यहीं रख लो, ठीक है। अब हम इसको एक मिनट, वो कप्पू जी को करते हैं जरा, सर ये आ गए ना कप्पू जी। ओके सो सभी के साथ हम ये शेयर करते हैं। देखा मैंने आपको कहा ना, 30 साल के टूरिज्म और 3 साल के टूरिज्म और 12 साल के टूरिज्म में कोई फर्क नहीं है, उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया ना, उन्होंने कहा आप रुकिए एक मिनट अभी करते हैं। सो दैट इज द वे, यू माइट बी स्टडिंग टूरिज्म ओनली फॉर 3 years, चित्र माइट बी डूइंग फॉर 13-14 years, बट ऑल ऑफ अस वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज टेक्नोलॉजी का कोई अंत नहीं है। रात को सोओगे तो कुछ नया आएगा, सुबह कुछ और मिलेगा। नाउ दिस इज टॉप 10 इंडियन ट्रेवल स्टार्टअप्स, ये जो लिंक है ये भी हम आपके साथ शेयर कर दिया है ऊपर उसी स्लाइड में। अब हम देखो इसमें, चलो आप यहाँ पे पर कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, ना दिखेगा तो हम कोई बात नहीं, हम यहाँ से लेके आ जाएंगे, अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं,
हम इसको एक सेकेंड, और ये यहां से आना चाहिए ना, ये चित्रा मैम कुछ इसको आज सर, एक मिनट सर, बस एक मिनट से मैं, पर ऐसा क्या चीज है आप कमांड बताओ ना, कमांड, क्योंकि ये बार पहले ऊपर होती थी, ये बार आज नीचे, पता नहीं कैसे। हाँ जी सर, सर ये लिंक ना, ये लिंक हम गूगल पे सीधा डाल देते सर। नहीं नहीं, हम यहाँ से क्यों नहीं ले सकते, मैं कह रहा था सर, अगर हम यहाँ से जाके जब आप वहाँ जा रहे हैं, देखो ना, हम कह रहे हैं ब्लैंक आ रहा है, शेयर, यहाँ हम कह रहे हैं स्टॉप शेयर, और यहाँ हम कह रहे हैं शेयर स्क्रीन, तो हम शेयर स्क्रीन में गए, और शेयर स्क्रीन, बच्चों आप जरा बताना, जब सर अभी दिखाएंगे ना, बताना क्या आ रहा है स्क्रीन पे कि नहीं सर। हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। है तो एक मिनट जी, ये आ गया, ये यहाँ से क्लिक नहीं हो रहा है, अब मुझे समझ आया, नहीं ये यहाँ से क्लिक नहीं हो रहा है। नहीं नहीं सर, वो तो तभी होगा जब वो, हाँ जी, आप करो, क्लिक करो, आर दे एबल टू सी बेटा, आप लोगों को देख रही है, ब्लैंक आ रहा है मैम, ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक है, ठीक है ना। तो चित्रा मैम, The problem is, अब एक सेकेंड, कोई बात नहीं जी सर, एक सेकेंड चित्रा मैम, एक मिनट, एक मिनट, हम ये जो ऊपर लिंक है इसको हम कर, ये कॉपी करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, स्टॉप शेयर करते हैं, और स्क्रीन शेयर पे जाते हैं, और इसके अंदर हम उसको दोबारा से यहाँ टाइप करते हैं, ये लीजिए, और यहाँ टाइप करके इसको पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करके हम इसको यहाँ से डायरेक्ट खोलते हैं। अब नजर आ रहा है, अब दिखाई दे रहा है, अभी एवरीबॉडी कैन सी, यस सर, ओके, ये तो एक ही, ये तो एक ही यस सर आया, और बड़ा लाउडर आया है अरुणाचल प्रदेश से, ओके okay. चलिए, टॉप 10 इंडियन ट्रेवल स्टार्टअप्स 2018, ये देखो चित्रा मैम ने कितनी कलरफुल स्लाइड बनाई है, बेचारी ने बैठ के रात को सारी, देखो कितनी कलरफुल है, मेरे को तो इंडिया मतलब एक अलग तरीके का इंडिया है, ये क्या है, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, कौन सी फिल्म थी वो, परदेश, द ट्रैवल इंडस्ट्री हैज गॉन थ्रू ए मैसिव बूम, ये सब चीज बूम की बात बेचारी, ये है उससे पहले, कोविड से पहले, तो ये देखिए आप, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इसने यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया है। तो सबसे पहले ट्रिपोटो, ट्रिपोटो कितने लोगों ने पहले सुना था, ट्रिपोटो, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, गीता पर कसम खा के कहता हूं, मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, पहली बार सुना सर, ओके, ये किसने बोला, प्रियंका, प्रियंका, चित्रा मैम प्रियंका को 100 रुपए देने हैं सच बोलने के लिए, प्रियंका, प्रियंका, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ओके, ये पहला विनर 100 रुपए का, ठीक है। सो ट्रिपोटो, इसके तीन चीजें हो गई, सच बोला, इनिशिएटिव लिया, एंड प्रॉम्प्टनेस, भैया बहुत सारा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो कोई और आपका चांस ले जाएगा, ओके। सीख शेरपा, ये किसने सुना पहले, पहली बार, मैं भी पहली बार, हाँ मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना है, सीख शेरपा, और सोच लो गो मऊ गली, ये किसने सुना, ये भी फर्स्ट टाइम, अब देख लो यार कितना काम हो रहा है इंडिया में, आप सोच लो इंडिया में मदर इंडिया से मिस्टर इंडिया तक आ गए हम, ये देखो थ्रिलोफिलिया, ये किसने सुना पहले, ये भी फर्स्ट टाइम, अभी थोड़ी देर पहले आते थे, सारे सच बोल रहे हैं यार, थर्सडे को क्या बात है, नारायण नारायण, सभी सच बोल रहे हैं, ओके। ऑडियो कंपोस, ऑडियो कंपोस किन्होंने सुना पहले, सर फर्स्ट टाइम, अभी आपसे सुन मैं भी पहली बार देख रहा हूं, ओके। नियरिफाई, नियरिफाई फर्स्ट टाइम, नियरिफाई,
टेरिफाइड. गॉड ब्लेस. कम से कम हम सच तो बोल रहे हैं यार. क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? एक्स ट्रैवल मनी, पहली बार एक्स ट्रैवल मनी, एक्स ट्रैवल मनी, ठीक है. ये आपके सारे एप्स हैं. ओके, सच बोलना भी बहुत जरूरी है जीवन में. एक्स ट्रैवल मनी. ओके, ओयो रूम्स तो सुना होगा सबने. यस सर. हाँ, ओयो रूम्स. हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा ओयो रूम्स में कितने जो लोग जाके ठहरे हैं, वो नहीं पूछूंगा. ओके, उसके बाद गेट सेट गो. हम चलते हैं, गेट सेट गो. बाकी सब टूरिज्म का नीचे स्टोरीज वगैरह हैं. तो ये मुझे जब मिला तो ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. चित्रा मैम ये लिंक शेयर कर देंगी. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग इसको पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद हम सब लोग इसको बाद में, यार एक काम करते ना, इसको हम इधर से कॉपी करके और अपने यहाँ तो डाल ही देते हैं अभी, ठीक है ना. ये भी पेस्ट हो गया, तो ये आप सबको अभी मिल गया, ठीक है जी. तो ये भी हम कर लेंगे, और चित्रा मैम ग्रुप पे भी डाल देंगी, सो दैट यू ऑल कैन हैव अ लुक एट इट. सर फिर वैसे ही आ रहा है. नहीं नहीं, अब हम यार खत्म ये ले, अब नहीं कर रहा कुछ भी, बंद कर दिया मैं, बंद कर दिया क्योंकि वो हो गए. अब मैंने एक लास्ट स्लाइड आपको दिखानी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग, उसके बाद की दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक स्लाइड आपको दिखानी है. अब ये नहीं पता कि वो चित्रा मैम ने, क्योंकि इतनी सारी पीपीटीज यहाँ खुल गई हैं. ओके ग्रेट, ये आ गया. ये नजर आ रही है आपको? यस सर. ओके, ये देखिए ट्रैवल स्टार्टअप एक्सेलरेटर सीरीज. तो कोरोना कौन सी डेट को हमने इंडिया में लॉकडाउन किया था? 25 मार्च 2020, ठीक हो गया. तो ये प्रोग्राम सितंबर 30th को हुआ है, और 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है. रुपिंदर बरार मैम जो हैं, शी इज अ रीजनल डायरेक्टर जनरल इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये पूरा कार्यक्रम हुआ. अब ये आशीष कुमार हैं, को चेयरमैन है फिक्की के, ट्रैवल ट्रेड के. फिर उसके बाद एक अंकुश निझावन है, ये को चेयरमैन है फिक्की में ट्रैवल के. फिर उसके बाद रोमा दत्ता है, ये डायरेक्टर हैं ट्रैवल की DFSI, और ये गेमिफिकेशन में भी हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म में. और फिर एक कार्तिक शर्मा हैं, ठीक है. ये सारे जितने भी हैं, इन लोगों ने किया एक ट्रैवल स्टार्टअप एक्सेलरेटर सीरीज. ये बड़ा अच्छा था, टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया. तो इस वीडियो को अपने टाइम में जरूर देखिएगा, जरूर पर जरूर देखिएगा, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. ट्रैवल स्टार्टअप एक्सेलरेटर सीरीज. ओके, अगर आपके मोबाइल पे अभी आपने कुछ किया हुआ है तो बात और है, नहीं तो मैं यहां गया और मैंने किया. यार ये क्या प्रोग्राम था, ट्रैवल, और इसको मैंने हटाया, ट्रैवल स्टार्टअप, स्टार्टअप, ट्रैवल स्टार्टअप. इसका एक और आता है आइडियाज का भी, बड़ा अच्छा, जो आप YouTube पे देख सकते हैं, ट्रैवल ट्रैवल स्टार्टअप आइडियाज. वो बड़े अच्छे वीडियोज हैं उसमें. एक्सेलरेटर सीरीज. ओके, ये आ गया. ये आपको मैंने अपने इस पे ढूंढ लिया, मुझे यहाँ पर मिल गया. सो आप लोग भी अपने टाइम में अच्छे से ढूंढ सकते हैं. मैं सिर्फ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ अभी कि इट इज पॉसिबल. आप ऑप्टिमम यूज कीजिए अपनी टेक्नोलॉजी का, जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूज कीजिए, ऑप्टिमम यूज. चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं हम, वेरी इंटरेस्टिंग. इसके बाद हम, ये क्या आ गया भाई, ये आ गया. उसके बाद ये देखिए, कम आउट विथ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज फॉर इंडियन टूरिज्म. अगर स्टार्टअप पे आना है, आप ये कहोगे ठीक है मेरे पास क्रिएटिव आइडिया है, मेरे पास इनोवेटिव आइडिया, पर मैं करूं क्या? ओके फाइन, आई वॉन्ट टू टेक यू. मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था 13th May 2020. आप कहोगे ऐसा क्या हो गया? बहुत कुछ हुआ. माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने MSME की डेफिनेशन को उस दिन चेंज कर दिया. आप कहोगे तो आप क्यों खुश हो रहे हैं?
क्योंकि हमारे चेंबर ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 3.5 से 4 साल तक सारे रोड मैप, सारी स्ट्रेटजीज, सारे एक्शन प्लान, जो कुछ भी ब्लूप्रिंट हम गवर्नमेंट को दे सकते थे कि सर्विस इंडस्ट्री को, ट्रैवल एंड टूरिज्म को, मीडिया एंटरटेनमेंट को आप एमएसएमई के अंदर एट पार विद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेकर आइए, तो 13 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत को डिक्लेयर करने के बाद 13 मई 2020 को अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में निर्मला सीतारमन जी ने नई डेफिनेशन दी कि दैट अब से रिवाइज्ड एमएससी में का क्वालिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट कहां तक हो और आपका एनुअल टर्नओवर कहां तक हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में हो सकते हैं और आपको उसके अंदर बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहले माइक्रो, और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप कोई छोटी सी यूनिट खोल रहे हैं, मान लो मैं ये कहता हूं मैं मोमो का काम करना चाहता हूं, मैं एक व्हीकल खरीदता हूं, तो व्हीकल खरीदता हूं तो क्या हुआ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो क्या चीज हुआ, इक्विपमेंट, वो क्या चीज हुआ, मशीनरी। मैं कोई छोटा सा प्लांट लगाता हूं, बिस्किट बनाने का, चॉकलेट बनाने का, कोई और काम सोचता हूं, कुछ भी सोचता हूं, मैं कोई नई चीज लेके आता हूं, तो जो प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट, उसके ऊपर आपका पैसा खर्च होता है, तो कितना पैसा आपने खर्च किया उसके क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी डेफिनेशन आगे क्या होगी। उस सब चीजों को जब हम लेकर चलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माइक्रो क्या होता है, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। अगर कल को आपने स्टार्टअप में जाना है, गवर्नमेंट का फायदा उठाना है, गवर्नमेंट से पैसा लेना है, एमएसएमई सेक्टर में घुसना है, तो आप सबको ये पता होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल टिप आपको कहीं भी किसी थ्योरी के सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल आपको बताना चाहता हूं। सबको पहले पता होना चाहिए कि माइक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या चीज होती है। माइक्रो का मतलब यह है, अगर आप कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हो, कोई प्लांट लगा रहे हो, कोई मशीनरी खरीद रहे हो या लगा रहे हो, उसके ऊपर जो खर्चा है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपकी कंपनी में जो आपने टोटल काम किया, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, टोटल काम किया उसको टर्नओवर कहते हैं, वो 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो उसको माइक्रो यूनिट कहते हैं। और पहले खाने में देखिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों को बराबर लिया गया है। आगे आ जाइए स्मॉल। स्मॉल क्या है, आपका प्लांट पर, आपका इन्वेस्टमेंट मशीनरी पर, इक्विपमेंट पर 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मीडियम क्या है, मीडियम है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट पर, मशीनरी पर और इक्विपमेंट पर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको कहते हैं एमएसएमई क्लासिफिकेशन, और जितने डॉक्यूमेंट इसके बनाए थे वो भी चित्रा मैम किसी दिन आपसे डिस्कस करेंगी और आपको बताएंगी, आपको खुशी होगी। ये देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक और काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर जब निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 3 मंत्रालय चेंज किए हैं जब से पिछले 7 साल में, पहले वो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स और इंडस्ट्री थी और वहां से डिफेंस मिनिस्टर बनी और डिफेंस मिनिस्टर से अभी फाइनेंस मिनिस्टर बनी। तो जब वो कॉमर्स मिनिस्टर थी तो दिल्ली के अंदर मैं बार बार जाके उनके चेंबर के साथ हमने 12 सर्विसेज सेक्टर को, क्योंकि टूरिज्म सर्विस सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर है, एयरलाइन सर्विस सेक्टर है, एजुकेशन सर्विसेज सेक्टर है, स्किल सर्विसेज सेक्टर है, हेल्थ सर्विसेज सेक्टर है, वेलनेस सर्विसेज सेक्टर है, तो हमने वहां पर बातचीत की एजुकेशन, टीचर, यूथ, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, एविएशन मींस एयरलाइंस, मीडिया एंटरटेनमेंट, मीडिया एंटरटेनमेंट मींस रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, म्यूजिक, फिल्म्स, एनिमेशन, प्रिंट मीडिया भी आता है, उसमें 2 तरह का मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, फिर उसके बाद हेल्थ, फिर वेलनेस, फिर मेडिकल टूरिज्म, फिर सेल्स, मार्केटिंग, इवेंट्स एंड पब्लिक रिलेशन। अगर आप सेल्स में अच्छे हैं तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मार्केटिंग में अच्छे हैं आप कहीं भी किसी कंपनी में जा सकते हैं, इवेंट्स में अच्छे हैं, अब आप वर्चुअल इवेंट्स में आइए ना। एक सवाल और लिखिए,
आप मुझे ये बताएंगे कि जो वर्चुअल इवेंट्स होते हैं, वर्चुअल इवेंट्स, क्योंकि आप टूरिज्म में हैं, हमको आगे जॉब चाहिए, हमें तो पॉकेट मनी चाहिए, हमें तो वो एरिया बताइए जहां से मैं कुछ पैसे कमा सकता हूं, तो वर्चुअल इवेंट्स के क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं? प्लेटफॉर्म्स जैसे एडटेक प्लेटफॉर्म की मैंने बात करी, मैं आपसे वर्चुअल इवेंट्स की प्लेटफॉर्म की बातचीत कर रहा हूं। लोग गेम खेल रहे हैं ना, आज रात का जो प्रोग्राम है 8 बजे का, वो गोल्फ टूरिज्म पे है, और मैंने उसको कहा है कि सिर्फ ये बताइए कि गोल्फ में बच्चों को जॉब कहां कहां मिल सकता है, गोल्फ में बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि गोल्फ टूरिज्म बंद नहीं होगा। क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि गोल्फ मास टूरिज्म नहीं है, ये इंडिविजुअल का है। आपने एक शॉट मारा, बॉल गई, फिर आप 2 किलोमीटर पैदल चले, आप अकेले हैं, मास टूरिज्म तो कर नहीं रहे, और ये हाई स्पेंडिंग टूरिज्म है, रिच टूरिज्म है, तो निश टूरिज्म है, ये सब चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से। देखो प्रैक्टिकल वे में मैं आपको आगे लेके चलना चाहता हूं, मैं थ्योरी नहीं बताना चाहता आपको सबको, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो भी बात करेंगे आपको, और देखिए सुबह हम यहां डिस्कस करेंगे जिससे यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा, रात को रोज रोज आना, रात को रोजगार की बातचीत होगी, रोज आना रोजगार की बातचीत होगी, हम बातचीत करेंगे। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक को पता होना चाहिए, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स भी आपको आगे बताऊंगा। अब आप ये कहते हो सर कि हम स्टार्टअप बन जाएं, तो स्टार्टअप होता क्या है पहले हमें वो तो बता दीजिए ना, और स्टार्टअप में क्या होना चाहिए, कैसे होता है, मैं स्टार्टअप कैसे बनूंगा, मैं कहां रजिस्टर करूं, मैं कैसे रजिस्टर करूं, रजिस्टर करने का क्या फायदा होगा, मैं रजिस्टर जाके कर भी लूंगा तो उसके बाद क्या होगा, मुझे पैसा कौन देगा, क्या मुझे वो पैसा वापस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्या वो ग्रांट होगी कि लोन होगा, क्या वो कितनी देर में मिलेगा, मेरे क्लाइंट कहां होंगे, ये सारी प्रैक्टिकल बातें टूरिज्म में हम लोग करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलके करेंगे, और उसी चीज के स्टार्टअप पे बातचीत करेंगे। हर एक का एरिया अलग अलग होगा, किसी को कोई कंपल्शन नहीं है, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें प्रैक्टिकल बताना होगा। स्टार्टअप वो होता है कि अगर आपने अकेले ने, दो लोगों ने, ज्यादा लोगों ने, इकट्ठे ने कोई भी काम शुरू किया, लेकिन आपका काम 10 साल से पुराना नहीं है, आपका काम 10 साल से पुराना, यानी कि आपकी कंपनी 10 साल से ज्यादा पुरानी रजिस्टर्ड नहीं है, और दूसरा आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अब आप कहोगे सुबह सुबह हंस रहे हो, यहां तो दुनिया को खाने के लाले पड़े हुए हैं, आप 100 करोड़ की बातचीत कर रहे हो। मेरे भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रेस्टोरेंट भी बंद हो गए हैं, उनकी रोज की इनकम, रोज की जो सेल है ना, रोज की सेल वो कैश में 3 से 4 लाख रुपए की होती थी, और वो लोग इस समय बंद हैं। वो अगर 3-4 लाख रुपए रोज उठा रहे हो तो आप महीने में कितना उठाओगे, साल में कितना उठाओगे, बहुत सारी चीजें जिनको हम लेके चलेंगे, इनकी बातचीत करेंगे। तो आइए इसके बाद अब हम इसको करते हैं बंद, और अब हम आते हैं रूबरू और हम लोग बातचीत करते हैं। तो अभी आप लोग जो जुड़े हैं, मैं आप लोगों को रोजाना कोई ना कोई नई चीज, रोजाना कोई ना कोई नया, क्योंकि मुझे नए एवेन्यूज, नया बिजनेस, नए स्टार्टअप्स, नए प्लेटफॉर्म, नई स्ट्रेटजीज, वो सब कुछ बतानी है आप लोगों को। दैट इज द वे वी हैव टू वर्क इट आउट एंड वी हैव टू प्लान इट आउट। अब मेरे पास आज जो लोग अभी सामने हैं, एक है सौरभ, एक है प्रियंका, प्रियंका का नाम यहां कहां गया, प्रियंका, ओके प्रियंका राइट, एक हो गई कविता, ओके भाई जिसका और कैमरा ठीक है, अब आप लोगों को आगे आना चाहिए, अब आप लोग जरा अपना अपना कैमरा थोड़ा, आप तो प्रभु लोग हैं ना, आप प्रजा को दर्शन कहां देते हैं, तो कभी कभी तो भक्तों को दर्शन दे दीजिए प्रभु, कभी कभी तो कोई भगत की तो प्रार्थना स्वीकार कीजिए और उनको दर्शन दीजिए। नारायण नारायण, आज बृहस्पतिवार है, नारायण को याद करते हुए, क्योंकि कल कविता के साथ हमने गणेश जी को याद किया था, आपको याद होगा कल हम महाराष्ट्र गए थे सारे, और हमने गणेश जी का विसर्जन, और फिर हमने उसकी भी बातचीत की थी, वो एक्टर क्या नाम है, वो नाना पाटेकर जी, ओके।
तो ये जितने भी प्रभु हैं, जितने भी देवी देवता हैं इस प्रोग्राम में, आप सब दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, तो दर्शन देंगे तो हम लोग आगे चल पाएंगे। ओके, अभिनव आया कि नहीं आज? अभिनव आया है तो अभिनव ने वो 360 डिग्री वाला हमको दिखाना है, सबके साथ शेयर करना है। अभिनव, अभिनव तुमने शेयर करना है। चलो मैं ऊपर से चलता हूँ। सौरभ का नाम मैंने लिख लिया, प्रियंका का नाम लिख लिया, कविता का नाम लिख लिया, प्रिया प्रिया प्रिया, ओके प्रिया भी जुड़े हैं, और उसके बाद कनिष्का, कनिष्का भी जुड़े हैं, कनिष्का, कनिष्का का ओके, अतुल जुड़े हैं, अतुल, अतुल का मैंने लिख लिया, रविंदर, रविंद्र, शाबाश, वेरी गुड। रविंदर से शायद मेरी बात भी हुई है फोन पे, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने बात, बहुतों से बात करने की कोशिश की है, और इतने अच्छे हैं आप, इतने अच्छे हैं कि आधे से ज्यादा के तो मोबाइल ही बंद है, आधे से ज्यादा का यह है कि उसमें लिखा हुआ आ रहा है मेजर डॉक्टर गुलशन शर्मा, अगर आप रिचार्ज करा लेंगे तो हम बात कर लेंगे, वैसे हम बात नहीं करेंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, अगर मुझे रिचार्ज कराना है तो भाई BTTM 7th सेमेस्टर भी मैं ही ज्वाइन कर लेता हूँ, आई थिंक देन आई हैव टू ज्वाइन, उसमें आ रहा है रिचार्ज। और कुछ बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये नंबर मौजूद नहीं है, मेजर डॉक्टर गुलशन शर्मा डोंट वेस्ट योर टाइम। तो मैंने कहा ठीक है भाई, प्रभु सारे देवी देवताओं कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल कभी तो साक्षात होंगे, मेरी प्रेयर तो रोज रहेगी सुबह 10:30 बजे से। भक्तों का काम है अपने प्रभु को उसकी आराधना रोज करना, देवी देवताओं को रोज उनके दर्शन करना, और रोजाना उनसे प्रार्थना करना कि संसार को अच्छा कीजिए, और मैं तो संसार में टूरिज्म को अच्छा करने के लिए। चलिए अब हम इंटरेस्टिंग चीज बातचीत करेंगे यहां पर। अभी जो जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अब सारा कुछ समझने के बाद, हमने एडटेक प्लेटफॉर्म की बातचीत की, हमने एप्स की बातचीत की, हमने स्टार्टअप्स की बातचीत की, कल मैं आपको स्टार्टअप की सारी चीजें बताऊंगा कि आप अपना स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट उसमें ये होगा, वो सब तो ठीक है बट मेजर डॉक्टर गुलशन शर्मा जी ये बताइए पैसे कहां से मिलेंगे, और पैसे वो वाले जो वापस ना देने पड़े, क्योंकि इस समय तो पैसों की जरूरत है, आप हमें वो प्लेटफॉर्म बताइए जहां से पैसे मिल सकते हैं। तो उसकी बातचीत भी हम कल करेंगे, क्योंकि भक्तों की जो प्रेयर है वो आस्ता आस्ता सुनी जाती है ना, एक ही बारी में बेलपत्र भी चढ़ा दूंगा, वो फूल भी चढ़ा दूंगा, केला भी चढ़ा दूंगा, सेब भी चढ़ा दूंगा, तो भगवान कहेगा बोझ ज्यादा हो गया है, आस्ता आस्ता करो। तो दैट इज द वे वी विल वर्क आउट, वी विल प्लान इट आउट, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने अपने विचार बताइए, क्योंकि बेसिक चीजें हमने आपस में डिस्कस किए हैं। नाउ टेल मी, इस समय ट्रैवल एंड टूरिज्म में चैलेंजेस भी हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म में डिफिकल्टीज भी हैं, लोगों के रोजगार भी चले गए हैं, आने वाले वक्त में किसी को नहीं पता है कि थर्ड वेव कब आएगी, किसी को नहीं पता कि थर्ड के बाद फोर्थ वेव आएगी कि नहीं, और जो आपको कुछ भी बोल रहा है वो सब झूठ बोल रहे हैं, गीता पे हाथ रख के जो कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कुछ भी। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हमने गंगा भी पार करनी है, जमुना भी पार करनी है, रावी भी पार करनी है, सरस्वती भी पार करनी है, और आसाम के आगे अरुणाचल जाने के लिए ब्रह्मपुत्रा भी पार करनी है भाई। तो ये सब पार करने के लिए हमको इनोवेशन लेके आनी है, क्रिएटिविटी लेके आनी है, इनोवेटिव आइडियाज लेके आने हैं। बेसिक चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, आपको बेसिक एक प्रोफाइल बताया है, किसी का कोई भी इनोवेटिव आइडिया हो, किसी का कोई भी क्रिएटिव आइडिया हो, किसी का कोई भी डायनेमिक आइडिया हो, क्योंकि मैं आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी, पहले होम्योपैथिक, फिर आयुर्वेदिक, फिर उसके बाद एलोपैथिक टैबलेट, फिर उसके बाद एलोपैथिक इंजेक्शन, फिर उसके बाद सर्जरी, वो भी रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि जिसके अंदर किसी को कोई चीराफाड़ी ना करनी पड़े। दैट इज द वे आई हैव टू टेक टुवर्ड्स टूरिज्म, क्योंकि जब इतने चैलेंजेस हो तो वी हैव टू बी इनोवेटिव ऑल ऑफ अस। इन्हीं शब्दों के साथ आपका 10 मिनट का ब्रेक, और 10 मिनट के बाद आइडिया लेके आइए हम, क्योंकि 10:30 से 11:30 तक हैं। अब आपको 10 मिनट का ब्रेक देते हैं,
15 मिनट चाहिए 15 मिनट ले लो, लेकिन मेरे को 15 मिनट के बाद आपके हाथ में एक कप चाय हो, एक कप कॉफी हो, आप कुछ खा रहे हो, सौरभ भी पीछे कोई डब्बे वो रख के मुझे कुछ दिखा दे, और कविता भी कुछ बना के लेके आ जाए, प्रियंका भी कुछ बना के लेके आए, तो उसके बाद हम लोग कुछ खाएं पिए और फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। 11:45 पे आई विल बी बैक विद यू, गॉड ब्लेस, कम आउट विद सम आइडियाज, ठीक है? हम 11:45 पे दोबारा मिल रहे हैं, तब तक के लिए कुछ अच्छे से चाय वाय बनाइए।
चलिए गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक. आपके आइडियाज वगैरह जो भी हम लोगों ने सोचा है वन बाय वन, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ए पार्टिसिपेटरी, इट इज गोइंग टू बी टुगेदर. और मैं नाम एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी का नाम रह गया तो मुझे बताइए. रविंद्र चौहान, अतुल कुमार, सौरभ त्रिपाठी, रितिका, अमित, कविता, कनिष्का, फिर उसके बाद प्रियंका. दीज आर द पीपल दोज हैव जॉइंड टुडे. इज देयर एनीबॉडी एल्स? इसके बाद कोई और है क्या? अभिनव, अभिनव का मैंने नाम लिख लिया, ठीक है, अभिनव का भी लिख लिया. और एक राहुल गिरी, राहुल गिरी भी था. ओके, राहुल इज नॉट हियर. ओके ग्रेट, चलिए लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. आई वांट टू लिसन टू यू नाउ योर आइडियाज ऑन टूरिज्म, एडटेक प्लेटफॉर्म, एप्स, फ्यूचर. और वो 360 डिग्री वाला बच्चा है क्या जो कल हम बातचीत कर रहे थे? यस. वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? बिकॉज यू हैव ए राइट टू शेयर द स्क्रीन. अगर आप चाहें तो 360 डिग्री वीडियोस का. अभिनव हैं आप? यस सर, फॉर श्योर. हाँ अभिनव, आपका चित्रा मैम ने बहुत तारीफ किया और मुझे बताया कि आप अच्छे से, आपके कोर्समेट ने भी. ग्रेट, चलिए आइए लेट स्टार्ट. अभिनव लेट शेयर. I'm in my hometown, so internet is not so strong. So sir, pardon. तुम step बताते जाओ ना बेटा, हम यहाँ से लेंगे. तुम हमको steps बताओ ना सबको. हम लोग यहाँ से करेंगे ना. आप आपको step बताओ. मैं और चित्रा कपूर मैम यहाँ से करेंगे ना. आप अपने steps बताओ, जो 360 degree का जो video आप दिखाना चाहते थे. Okay, take your time. आपके पास चित्रा मैम का number है? अभिनव आपके पास चित्रा मैम का नंबर है? जी सर. आप सर, चित्रा मैम, आप अपना माइक को म्यूट करके, आप अपने माइक को म्यूट करके चित्रा मैम को कॉल करो. चित्रा मैम के साथ टाई अप करो. चित्रा मैम आपके बिहाफ पे आपका 360 डिग्री का जो भी आप दिखाना चाहते हैं टूरिज्म का वो दिखाएंगे. अभिनव ने शायद ना कल ग्रुप में डाला था वो ना. अभिनव इज दैट द सेम बेटा? वही है. यस मैम, मैंने कल ग्रुप में डाला था. हां नहीं, वही दिखाना चाह रहे थे. Yes, ma'am, मैंने डाला था ग्रुप में. हाँ जी, हाँ जी. तो सर वो मैं आपको एक बार आपकी मेल पे मां से आ जाएगा सर, एक मिनट में दिखा दूंगा. नहीं नहीं, हमने तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ना, हमने कोई प्राइवेट तो करना नहीं है कुछ. अगर इसने कल डाला था तो हम सर आई ट्राई यहां से एक बार सर शेयर करने. सर आई ट्राई सर यहां से करने के लिए, मैं अपने यहीं से कर दूं शेयर. आप ऐसा करो अभिनव, आप चित्रा मैम से okay, ma'am. It's 360 degree video of Taj Mahal. चित्रा मैम देखो. चलिए yes, आप ma'am. अपना करते रहिए, तब तक नेक्स्ट कैंडिडेट. नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट 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 हु इज गोइंग टू स्पीक? सर आई वांट टू स्टार्ट. या प्लीज गो अहेड. सर आपने जो भी टाइम दिया था उसमें मैंने देखा कि लाइक आई एम फ्रॉम हरियाणा. मैं अपने हरियाणा में अपना डोमेस्टिक टूरिज्म, मतलब मैं कैसे प्रमोट कर सकती हूँ, क्योंकि हरियाणा बेसिकली तो सर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है. यहाँ से स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से निकलते हैं. और सर या फिर जैसे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं लाइक गीता जयंती समारोह, दैट इज इन कुरुक्षेत्र. यस एंड सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला जहाँ पे इंटरनेशनल फरवरी में होता है, 1st to 15th February. यस सर. सो अभी क्या कि हरियाणा इन सिर्फ अभी कुछ इन्हीं मेन मेन चीजों के लिए जाना जाता है, बट जब मैं
घूमने गई थी इन कुरुक्षेत्र इन पानीपत. सो सर आई सॉ मेनी थिंग्स जो अभी तक ना तो इंटरनेट पे हैं, मतलब कहीं पे भी नहीं है. और कुछ बहुत छोटे छोटे कुछ लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डाली हैं, मतलब उसको प्रमोट नहीं है सर, अच्छे से प्रमोशन नहीं है, उनकी मार्केटिंग नहीं हुई अच्छे से. सर इन आई वॉन्ट टू वर्क एज अ वीडियो मार्केटर फॉर दैट डेस्टिनेशन विद द लोकल इन्फ्लुएंसर्स, सो दैट हम जो लोकल जो वहाँ की लोकल पीपल्स हैं उनको भी हेल्प मिल पाए, राइट, जो कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का भी एक पार्ट है सर. प्लस जो एक हरियाणा की इमेज है कि दिस इज फेमस फॉर जस्ट स्पोर्ट्स और जस्ट इंटरनेशनल फेयर्स और क्राफ्ट्स, और जो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि जो यहाँ पे हमारी कुछ ऐसी धरोहर है, हेरिटेज है जो छुपी हुई है जो अब तक बाहर नहीं आई. सो आई जस्ट वॉन्ट टू ऑल दोज प्लेसेस सर. वेरी गुड आइडिया. एंड सर आई वॉन्ट टू से वन मोर थिंग. कुरुक्षेत्र में अभी एक न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है, दैट इज वेंकटेश्वर मंदिर जो कि साउथ में बहुत फेमस है, और उसको जो रियल मंदिर है दैट इज इन साउथ इंडिया, आई थिंक इट इज इन तिरुवनंतपुरम. एंड सर वहां पे 54,000 पीपल्स एक दिन में विजिट करते हैं उसको, और उसका कॉपी पूरा ही कुरुक्षेत्र में बनाया है. वहां पे आप पूरा साउथ इंडियन क्यूजीन, साउथ इंडियन कल्चर, वही सब लोग, प्लस जो हमारा सर कल्चर है, जैसे कि वहां पे एक जैसे एंट्री करती बोर्ड लगा होते कि आपको किस तरह का ड्रेस अप होके मंदिर में आना है, प्रॉपर इंडियन कल्चर. वुमेन्स के लिए उधर साड़ी है, और फॉर मेन्स वहां पे धोती कुर्ता है सर. उसके अलावा कोई भी वेस्टर्न अलाउड नहीं है, उनको एंट्री नहीं करने दी जाती. सो वो चीज सबसे ज्यादा बेस्ट लगी कि हम अपना कल्चर को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, राइट सर. So I just want to promote all those things through video marketing. Very good, very good, very good idea, excellent idea. Proud of you, proud of you. Now something very interesting I would like to share. 24 March 2021 को 24th March 2021 Haryana government has given approval and declared कि हरियाणा गवर्नमेंट अपनी फिल्म सिटी बनाएगी पिंजौर में, इस एरिया में. तो अगर फिल्म सिटी आती है तो सिनेमैटिक टूरिज्म, बॉलीवुड टूरिज्म, बॉलीवुड टूरिज्म, टॉलीवुड टूरिज्म, और उन्हीं के साथ साथ जुड़ा हुआ इवेंट्स टूरिज्म जिसको माइस इंडस्ट्री कहते हो, आप ये सोचो कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, स्टार्टअप भी होगा, बाकी सब चीजें भी होंगी, एंटरप्रेन्योरशिप भी आएगी. ये सब चीजें हरियाणा गवर्नमेंट ने पिंजौर के लिए डिक्लेयर कर दिया है. वी विल शेयर टुमारो आर्टिकल विद यू. आपने आपके पास मेरा नंबर है ना प्रियंका? यस आई हैव इट. आप है तो आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है टू रिमाइंड यू टू ब्रिंग हरियाणा टूरिज्म स्लाइड टुमारो. कल के प्रोग्राम में हरियाणा टूरिज्म का 24th March का याद रखना, 24th March. हाँ तो कल हम आपको सिनेमैटिक टूरिज्म पे पूरा एकदम आपको आइडिया हो जाएगा. 4-5 स्लाइड कल आपको दिखाएंगे सिनेमैटिक टूरिज्म की. वेरी गुड, वी विल वर्क ऑन दैट, वी विल प्लान ऑन दैट. दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. और ये वेंकटेश्वरा का जो आप बता रहे हैं, ये मुझे भी नहीं पता था कि कुरुक्षेत्र में ऐसा कोई टेम्पल बना है. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ. बट गीता जयंती, यस आई न्यू इट वेरी वेल बिकॉज आई बीन ए पार्ट ऑफ इट. सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हमने शुरू करवाया था. आई वॉज विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो मेरे बॉस थे वो हरियाणा के थे, मिस्टर एस के मिश्रा. और इस समय जो भारत के राष्ट्रपति के सेक्रेटरी हैं मिस्टर संजय कोठारी, वो हरियाणा काडर के IAS ऑफिसर हैं. वो उस समय सेक्रेटरी टूरिज्म हरियाणा में थे. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सूरजकुंड क्राफ्ट मेला इज वर्ल्ड ओवर नाउ नोन. तो वो तो एक है ही अपने आप में अजूबा. चलिए चित्रा मैम, आपने वीडियो निकाली है कोई? हाँ जी सर, ये है वीडियो जो अभिनव कह रहा था ना, आई एम प्लेइंग दैट फॉर ऑल माय फ्रेंड्स हु आर नॉट इन इंडिया एंड विश टू सी द ताजमहल समडे. हियर इज अ ग्लिम्प्स इन 360. If you move it, you'll be able to see what is around me, and I'll take you through a 360.
the walkthrough of the Taj Mahal. Lovely. Cut. I've got 200 Mbps connectivity over here. अगर हमको ये शिफ्ट करने में इतना टाइम लग रहा है तो इसके लिए कनेक्टिविटी 360 के लिए अच्छी चाहिए होगी. चलिए सर, इसका एक्सपीरियंस आप इंडिविजुअली ले सकते हैं सर. अच्छा, of the Taj Mahal. मैम, top left corner पे एक icon है मैम, तो आप अगर उसको दबाएंगे तो ये change होगा मैम 360 degree में. हाँ, वो जो moon सा बना हुआ है. जी 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 sir. ठीक है. Understood. और understood. You can rotate. You can go anywhere. Take it. Okay. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you. Good impact. सबसे अच्छी है कि music बड़ा throbbing है. Music इतना अच्छा है कि इसका मतलब it's looking so good. It's looking so nice. That's very good. 360 का. Okay. Thank you very much, sir. Okay. Good. और आपने dams की बातचीत की थी, आपने rap की बातचीत की थी, तो जैसे प्रियंका का समझ आया अभी कि प्रियंका इज कीन अबाउट मेकिंग दोज वीडियोस एंड वीडियो मार्केटिंग, और जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, बट दोज आर लेस नोन. लोग सूरज कुंड तो जानते हैं, गीता जयंती तो जानते हैं, बट जैसे वेंकटेश्वर की और बाकी चीजों की, तो तुम मुझे ये बताओ कि अपने रैप को आप आगे कैसे लेके जाना चाहते हो, ये बताओ. कैन यू बी अ टूरिज्म रैपर, ये बता मुझे. सर इन टूरिज्म रैपर हो नहीं सकता, बट आप ये कि एक एसेंस ले सकते हो टूरिज्म. एक तो बता तू मुझे, अगर आप टूरिज्म क्यों नहीं हो सकता ये बताना. क्योंकि सर रैपिंग इज जस्ट नॉट अबाउट पर्टिकुलर थिंग, और आप उसको एक बॉक्स में नहीं रख सकते सर कि वो पर्टिकुलरली टूरिज्म. ना, समझने की कोशिश करो बड़े कैनवस में. व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू, तू भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर, भारत की हिस्ट्री, भारत के आर्ट, क्राफ्ट, वैल्यूज, कुजीन, डांसेस, म्यूजिक, हेरिटेज, इन सबको रैप के थ्रू करना यार, पीपल वुड लव इट. इस समय अगर रैप म्यूजिक चल रहा है तो कर, मैं तेरे को प्रमोट करूंगा, तेरा गाना भी बनाऊंगा, उसका म्यूजिक भी कंपोज करवा के दूंगा. और जो मैंने तेरे को बताया कि बादशाह के साथ जो बच्ची है अभी, जिसने वो गाना गाया बादशाह के साथ लेटेस्ट, वो मेरे दोस्त की बेटी है जिसने मेरे साथ पूरा टूरिज्म किया, जसपाल मोहनी, जो मेरा गाना है भारत के द्वार हैं खुले. आप लोगों ने वो गाना देखा है कि नहीं देखा है, भारत के द्वार हैं खुले, स्वागत में आपके. सर देखा है.
आपने देखा है ओके। चंडीगढ़ एक नया शहर है नित प्रगति के धारों का, ये टूरिज्म का गाना देखा है? हैव यू सीन ए सॉन्ग चंडीगढ़ एक नया शहर है no, sir. नित प्रगति no, के sir. धारों का ओके। 1994 में इंडिया का टूरिज्म सॉन्ग भी मैंने तब बनाया और ये भी तब बनाया। चित्रा मैम एक तो इनको पहले इंडिया टूरिज्म सॉन्ग दिखाओ, चंडीगढ़ का कल दिखाएंगे ताकि इनको आइडिया क्लियर हो। और ये लड़का जो है इसको हम अपॉर्चुनिटी दें, हम अभिनव के साथ रैप करें इंडिया टूरिज्म का। इंडिया टूरिज्म सॉन्ग लेके आओ सामने, लाइए इंडिया टूरिज्म सॉन्ग। एक मिनट चित्रा मैम आप मत कीजिए, आप मुझे स्टेप बताते जाइए। मैं यूट्यूब मैं यूट्यूब पे जाऊंगा ना। अच्छा जी, अच्छा जी। मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, यूट्यूब के अंदर मैंने निकाल लिया एक मिनट, इंडिया टूरिज्म सॉन्ग मेकिंग एजुकेशन रेलेवेंट रेलेवेंट, ठीक है ये हो गया, ये गाना आ गया आपका, ये रहा गाना नीचे इंडिया टूरिज्म सॉन्ग, ये रहा, ये यहाँ पर है। इसको लाने से पहले मैं इसको स्टॉप किया, स्टॉप से पहले यहाँ गया, यहाँ पर ये दोनों टिक हैं, ये देखिए शेयर साउंड ऑप्टिमाइज वीडियो, देख लिया आपने? ठीक है सर, मैं हूँ नहीं सर इंडेक्स पे, बट अगर वो शेयर नहीं, कोई बात नहीं, मैंने वो दोनों शेयर कर लिया। अब मैं इंडिया अब मैं इंडिया टूरिज्म सॉन्ग पे आता हूँ, ठीक है? तो इंडिया टूरिज्म सॉन्ग पे हम इनके साथ शेयर करते हैं सबके साथ, और ये आते हैं। हाय, या आवाज आ रहा है सबको? हर्स फॉर माय जॉब, यस सर, यस सर आ रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर दिख रहा है। ओके, मैं इसको फुल स्क्रीन पर लेके जा रहा हूं। दिस इज व्हाट आई मेड इन 1995, 27, 26 इयर्स बैक। शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, अभी देखिए आप इसको। एनीथिंग इज पॉसिबल, आवाज आ रहा है सबको? ओके, दिस इज 1995, डॉक्टर गुलशन शर्मा 1995। पग पग पे फूल हैं खिले स्वागत में आपके, पग पग पे फूल हैं खिले स्वागत में आपके, भारत के द्वार हैं खुले स्वागत में आपके। Look at the music. इंडियन टूरिज्म मेहमान नवाजी के लिए सारे जहान में मशहूर है ये सरजमी दीनों ईमान में, आकर तो देखिए मेरे हिंदुस्तान में, यहाँ दिल बिछाए जाते हैं मेहमान की शान में, आओ के दीप है जले स्वागत में आपके, भारत के द्वार है खुले स्वागत में आपके। हिमाचल हिमाचल गुलमर्ग,
व्हाइट वाटर राफ्टिंग तीस्ता रैकिंग कश्मीर के पहाड़ हिमाचल की वादियां पंजाब के दिल पे ये नाले बाग बगीचे चोटियां मन मोहती हुई ये परिंदों की बोलियां सुर के हैं साथ सुर मिले स्वागत में आपके भारत के द्वार हैं खुले स्वागत में ये बंद होना चाहिए चित्रा मैम गाना ना जी सर उसको पहले फुल स्क्रीन से आपको आज आज इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है क्योंकि जब तक वो स्क्रीन ऊपर जाके फुल से ओके चलिए इसको हम बंद करते हैं मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ सबको कि एनीथिंग इज पॉसिबल जिस दिन तुम सोच लोगे अभिनव कि तुमने एक गाना बनाना है और तुमने इस गाने को लेके आना है यू विल बी एबल टू डू इट देयर इज नो प्रॉब्लम आप एक रैप तैयार करो हम उस रैप को मिनिस्ट्री तक लेकर चलते हैं लेट्स टेक इट राइट अप टू द मिनिस्ट्री व्हाई नॉट यू डेवलप द रैप और हम अपने ITFT की तरफ से उस रैप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक लेके चलेंगे ठीक है तुम्हारा कौन सा है ये वाला जो बड़े से बालों वाला लाइफ जो लिखा है ये तुम्हारा है नहीं पर उसकी आवाज तो आ रही है अगर नहीं जुड़ा हुआ तो उसकी आवाज कैसे आ रही है जी तो चित्रा मैम कह रही है वो जुड़ा हुआ नहीं है तो उसकी आवाज कहां से आ गई भाई तू बेताल और विक्रम की कहानियां तो नहीं पढ़ता है विक्रम और बेताल की कहानियां आती थी पहले चंदा मामा Okay. ये जो बड़े से बालों वाला PTTM 7th सेमेस्टर है वो तेरा ही है ना वो तेरा ही है जी सर जी इंटरनेट की बहुत इंटरनेट इज नॉट वेरी स्ट्रांग कोई बात नहीं ये तेरा है ना ये अभिनव है तुम्हारा नाम अभिनव जी जी सर ठीक है आप एक रैप तैयार करो टूरिज्म के ऊपर हम पूरी सपोर्ट देंगे ITFT की तरफ से आपको आपका म्यूजिक भी कंपोज करवा के देंगे सब कुछ करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग की जिम्मेवारी भी हम लेंगे सारा कुछ करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम लेके चलेंगे और थोड़ा सा मैं तेरे को प्रियंका के एंगल से मार्केटिंग बता दूं बिकॉज शी इज डूइंग मार्केटिंग तो तेरे को बता दूं अभी एक मार्केटिंग में और भी है लेकिन थोड़ी सी चीज समझा दूं पहली बात जो प्रेजेंट मिनिस्टर है वो तेलंगाना का है ये ध्यान रखना जो प्रेजेंट मिनिस्टर टूरिज्म है वो तेलंगाना का है तो भाई तेलंगाना मत भूल जाइयो हैदराबाद तेलंगाना कहाँ है हैदराबाद फिर उसके बाद जो प्रेजेंट स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर है वो कहाँ का है क्यों कौन है प्रेजेंट स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर हु वुड टेल मी प्रहलाद सिंह पटेल हैं जी प्रहलाद सिंह पटेल वाह बेटा वाह जियो 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 बहुत अच्छी बात है वेरी गुड ओ भाई प्रहलाद सिंह पटेल की तो मिनिस्ट्री शिफ्ट हो गई तभी तो मिस्टर रेड्डी आए वहां पर तेलंगाना से अरे भाई श्रीपत नायक मैं भूल गया था अभी हाल ही में श्रीपत नायक इज द स्टेट मिनिस्टर फॉर टूरिज्म जितेंद्र जी ये तरह लाइट जला दो सेकंड स्विच थैंक यू सो प्रहलाद सिंह पटेल जी की मिनिस्ट्री चेंज कर दी गई है मिस्टर रेड्डी इज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर उनके साथ एक स्टेट मिनिस्टर है स्टेट मिनिस्टर कौन है श्रीपत नायक श्रीपत नायक कहां से है गोवा से जब भी मार्केटिंग करते हैं तो पहले आपको यह पता होना चाहिए तो जो बड़ा मंत्री है वो कहां का है बड़ा मंत्री कहां का है तेलंगाना का तेलंगाना कहां पर है जिसके अंदर हैदराबाद भी आता है हैदराबाद भी आता है भाई हैदराबाद याद आ गया हैदराबाद में क्या है गोलकोंडा फोर्ट गोलकुंडा फोर्ट में क्या है साउंड एंड लाइट शो
साउंड एंड लाइट शो में किसकी आवाज है? अमिताभ बच्चन। तो रिसर्च होती है गहराई तक जाना। अब आ गए श्रीपद नायक। श्रीपद नायक है स्टेट मिनिस्टर फॉर टूरिज्म इन द यूनियन कैबिनेट। ये कहां के हैं? गोवा के। ये पहले कौन से मंत्री थे? आयुष मंत्री। आयुष मंत्री से यहां शिफ्ट हुए। आयुष से पहले क्या थे? टूरिज्म मंत्री। तो हमें गोवा की बात जरूर करनी है। तो जो हम अपनी वीडियो बनाएंगे उसमें वो सारे शॉर्ट्स लेंगे जो इनको पसंद हो। आयुर्वेदा की भी बातचीत करेंगे ताकि श्रीपद नायक जी को अच्छा लगेगा कि यार मैं पहले आयुर्वेदा में था, इन्होंने आयुर्वेदा भी लिया। मतलब दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। यू हैव टू प्लान इट आउट, यू हैव टू डेवलप इट कि क्या करना है। तुम अपना एक रैप बनाओ। फिर एक और चीज है, एनीबॉडी हु विल गिव मी मैं तुम्हारे को सिर्फ 50% क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर 50% बताऊंगा, 50% आपने बताना है। जो इसका आंसर सही देगा उसको मैं आज सुबह 200 रुपीज दूंगा, ठीक है? सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। जो यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म हैं रेड्डी साहब, ठीक है, वो तेलंगाना से हैं, वो हैदराबाद से हैं। सो प्रधानमंत्री ने कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी की है, बस आगे नहीं बताऊंगा फिर वो तो गलत हो जाएगा। अगर कुछ बता दूंगा तो वो तो आपने अपने आप बताना है। आपने मुझे बताना है कि प्रधानमंत्री ने क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी की है। एनीबॉडी हु गिव्स मी द करेक्ट आंसर। वोकल फॉर लोकल वो जर्नल स्टेटमेंट है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी की है। आप गूगल पे नकल मार सकते हो, लैपटॉप पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी देख सकते हो। मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रधानमंत्री जी की क्या है? एनीबॉडी? चित्रा मैम आप अनम्यूट मत करो, आपने नहीं बताना है। मेरे को आपसे नहीं पूछना है ना, गलत हो जाएगा। मुझे इनको इन्वॉल्व करना है ना, इन लोगों को पता होना चाहिए ना। देश नहीं, 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 क्योंकि आपका माइक अनम्यूट होते ही मैं डर जाता हूं कि आप आंसर इनको ना बता दो। एनीबॉडी? उसका टाइम ड्यूरेशन भी होना चाहिए ना, इतना ज्यादा टाइम तो ना ले। अतुल तुम्हारा माइक अनम्यूट है, कुछ बताना चाहते हो? नॉट नाउ सर। अच्छा, कोई, चलो प्राइस की वैल्यू बढ़ा देते हैं 100 रुपए और, 300 हो गया। 300 रुपए का प्राइस आज सुबह सुबह, यार कमाल हो गया। ऐसी क्लास कहां लगती है, पैसे भी देते हैं साथ में, पढ़ाते भी हैं और साथ में एंजॉय भी करवाते हैं, 300 रुपए भी दे रहे हैं यार पॉकेट मनी। स्वदेश दर्शन सर। हाँ सर। सर देखो अपना देश तो नहीं सर, 15 डेस्टिनेशंस आपको विजिट करना है। नहीं वो ठीक है, उसने प्रधानमंत्री ने एक पॉलिटिकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की है। चलो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा 10% और रिलीज हो गया। क्वेश्चन पेपर 10% और रिलीज हो गया। हाँ अतुल क्या कह रहे थे आप? स्वदेश दर्शन ना। ओके कोई और पॉलिटिकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। प्रियंका आप कहते हो मैं मार्केटिंग करती हूँ, बताओ मेरे को। अब ये मत कहना कि मैं सिर्फ वीडियो मार्केटिंग करती हूँ, मैं ऐसी वाली मार्केटिंग थोड़ी करती हूँ। एनीबॉडी? सर जस्ट थिंक सबका साथ सबका विकास ना, बिल्कुल नहीं। 400 रुपए हो गए, 300 के बजाय 400, यार कमाल हो गया यार, ये तो सट्टा लग रहा है। 100 रुपए और बढ़ गए आज इनाम के सुबह सुबह। एनीबॉडी? बस ढूंढ रहा हूँ। ढूंढो सर। हाँ ओवरसीज मार्केटिंग तो नहीं है? आत्मनिर्भर भारत। कैसे, किसने बोला ओवरसीज मार्केटिंग सर? जैसे कि किसने बोला सर? गूगल ने। नहीं, ये स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट सर मैं, प्रियंका। हाँ प्रियंका, वेरी बैड मार्केटिंग। ओवरसीज मार्केटिंग अभी 2 साल नहीं हो पाएगी, लोग आएंगे नहीं बाहर से भी ना। अरे यार
अब तो बता दो 500 रुपए। चलो मैंने आपको पॉलिटिकल बताया है, आप उसको चीज को याद नहीं रख रहे हो दिमाग में, आप उसको ध्यान नहीं रख रहे हो। लास्ट डिजिटली 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। पॉलिटिकल निर्भर भारत, अब छोड़ आत्मनिर्भर भारत को उसकी बात नहीं कर रहा, आत्मनिर्भर भारत ठीक है, मुझे छोड़ आत्मनिर्भर भारत। प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी की है, पॉलिटिकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हाँ कौन है? बजट फ्रेंडली ट्रैवल सर। हाँ क्या बोला है सर? इनक्रेडिबल इंडिया सर, मैंने बोला बजट फ्रेंडली ट्रैवल। बजट फ्रेंडली ट्रैवल नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपने ध्यान नहीं, आप एक ही ट्रैवल पे फंसे हुए हो सारे। मैं आपको बड़ा सिंपल बताया, मैंने पॉलिटिकल बताया, स्ट्रेटजी बताया, मार्केटिंग बताया, फिर तेलंगाना बताया, फिर आपको मैंने बताया कि वो आदमी गोलकोंडा, फिर मैंने आपको हैदराबाद बताया। पहली बार भारत में जो टूरिज्म मंत्री बना है उसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया दिया गया है। कभी भी आज तक इंडिया में टूरिज्म मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं लुक आफ्टर करते थे। अब प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है? माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो टूरिज्म मिनिस्टर है उसको कल्चर भी दिया है, टूरिज्म भी दिया, कल्चर भी दिया, और साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी दिया। तो प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री की सोच ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोग ट्रैवल करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग अपने आप को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया सोचें, एंड दे ऑल शुड थिंक दैट दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एंड एट द सेम टाइम श्रीपत नायक जी को टूरिज्म में इसलिए लेके आए क्योंकि कोरोना के टाइम में ही वॉज आयुष मंत्री, तो हर्बल का जो भी काम हुआ, जो भी वहां पर आपका आयुर्वेदा का काम हुआ, हर्बल प्लांट मैक्सिमम इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, और टूरिज्म के साथ साथ। ओके यस प्लीज सर। पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मिंग नहीं वो तो ठीक है, अब वो तो बात, मैं जो बताना चाह रहा था, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, पॉलिटिकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाज दैट ही मेड टूरिज्म मिनिस्टर एज ए नॉर्थ ईस्ट मिनिस्टर ऑल्सो, ये था पॉलिटिकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट द टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द नॉर्थ ईस्ट मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर इज वेरी कीन दैट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया शुड कम ऑन द फ्रंट मैप एंड नॉर्थ ईस्ट के लोग जुड़ें, नॉर्थ ईस्ट प्रमोट हो, नॉर्थ ईस्ट आप ट्रेवल करें, नॉर्थ ईस्ट आप जाएं। दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी विच ही हैज टेकन, ये आपको समझना है। चलिए, वी वर टॉकिंग अबाउट एडटेक प्लेटफॉर्म, वी वर टॉकिंग अबाउट एप्स, वी वर टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। सो फार वी हैड अभिनव ने बोल लिया और प्रियंका ने बोल लिया और पहले कौन बोला था, तीसरा एक और कोई बोले थे? नहीं, प्रियंका से पहले तो कोई बोला ही नहीं। अच्छा, तो प्रियंका हो गया वन, और फिर उसके बाद हो गया अभिनव नंबर टू। अभिनव से हमने बात कर ली कि रैप फॉर टूरिज्म, और आज हम रात को अनाउंस करने वाले हैं कि वन ऑफ द यूथ हु इज अ टूरिज्म स्टूडेंट इज वर्किंग ऑन द रैप फॉर टूरिज्म, क्योंकि पता लगना चाहिए लोगों को, अभी से माहौल बनाए आपके लिए। चलिए, तीसरा कौन है बोलिए, आइए। थर्ड, हु इज गोइंग टू टॉक नाउ? बोले बगैर तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं ना, क्योंकि कम्युनिकेशन इज कनेक्टिंग, आपको बताया तो है। या प्लीज गो अहेड। हाँ बोलिए सर। जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से हमें ज्यादा फोकस डोमेस्टिक टूरिज्म में देना चाहिए, सो मेरा ये आइडियाज है कि सर, तो मेरा ये आइडियाज है कि टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल भी बने एंड पॉसिबल भी बने। वी हैव टू मेक टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल एंड पॉसिबल। सो द फर्स्ट स्टेप हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें और बहुत सारे सर्किट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे सो दैट पीपल विल कम।
ओके मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, मैंने एक एक शब्द मैं रिपीट कर सकता हूँ। हमें डोमेस्टिक टूरिज्म पे फोकस करना है, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म से पॉसिबल टूरिज्म पे आना है और न्यू सर्किट्स पे काम करना है। यस और सर इसके लिए ज्यादातर अभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, व्लॉगिंग करेंगे, ब्लॉगर्स बनेंगे, डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करेंगे और स्पेसिफिकली मेरा ज्यादा ध्यान इस तरफ अभी गया हुआ है छत्तीसगढ़ टूरिज्म की तरफ, बिकॉज छत्तीसगढ़ टूरिज्म कभी ज्यादा प्रमोट हुआ ही नहीं है, लोग जाते ही नहीं है छत्तीसगढ़ घूमने। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जैसे ही नाम आता है लोगों के मन में एक फियर आ जाता है, क्योंकि वहां पे नक्सलाइट अटैक्स वगैरह होते तो लोग जाने के लिए देखते नहीं है, क्योंकि जो जो मेन एरिया है, जो बस्तर एरिया है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ आप पूरा एक छत्तीसगढ़ को वहां पे आप देख सकते हो, जब आप बस्तर विजिट करते हो वहां पे एक ट्राइबल कल्चर आपको मिलेगा, हैंडीक्राफ्ट वगैरह आपको मिलेंगे, माउंटेन्स, हिल स्टेशन, वाटरफॉल्स, बहुत सारी जगह जो आप वहां पे विजिट कर सकते। छत्तीसगढ़ एक बहुत अच्छा सर्किट बन सकता है टूरिज्म के लिए। और बजट ट्रेवल्स भी होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे सर, दैट्स इट। ओके ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि पूरा भारत बहुत खूबसूरत है, पूरा भारत बहुत सुंदर है, भारत में बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई कहीं ट्रैवल करता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनके दिमाग में ये आता है कि वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी कैसा है। दैट इज द फर्स्ट एंगल विच कम्स टू आवर माइंड, whether it is safe to travel to a place A or place B or place C, that is something very important which we have to consider. जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ से अगर आप बातचीत करें तो ये स्टेट बनने से पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था, और जो लोग रायपुर, बिलासपुर और यहां से निकलते थे सूपखार, सूपखार से चिल्पा, चिल्पा से कान्हा नेशनल पार्क, मांडला डिस्ट्रिक्ट जाया करते थे, जहां पर टाइगर टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, नेचर टूरिज्म है, दैट इज एज ए पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश नाउ विच इज नोन एज कान्हा नेशनल पार्क। रस्ते में एक बहुत खूबसूरत जगह है, आप हैरान हो जाओगे, आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, जो नर्मदा रिवर है, अमरकंटक, अमरकंटक एक जगह है और नर्मदा जो रिवर है वो जहां से निकलती है और उस नर्मदा की उस छोटी सी जगह को जहां से वो आगे मैसिव रिवर बनती है वो भी उसी रास्ते में आता है। मेरा एक प्रश्न हमारा सॉरी अमरकंटक। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा डिबेटेबल रहता है कि क्या ट्राइबल टूरिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी की भी पर्सनल लाइफ के ऊपर मुझे एनक्रोच नहीं करना चाहिए किसी की भी पर्सनल जिंदगी में। तो ये बड़ा एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, बहुत सालों से डिबेटेबल है और हम हमेशा इसके बारे में बातचीत करते आए हैं। Should we have a tribal tourism or we shouldn't have a tribal tourism? Because every culture, every society, every identity we have to take into consideration. तो उसके अंदर हमें उनको प्राइवेसी भी देनी है, उन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व भी करना है, लेकिन उन्होंने अपने कल्चर को प्रोजेक्ट भी करना है। जो वो अपने कल्चर को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कल्चर बचा रहेगा, क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में नहीं करेंगे। जैसे बहुत बार हम टूरिस्ट को खुश करने के लिए अपनी चीजों को मॉडिफाई कर देते हैं, तो जब वो मॉडिफाई हो जाती हैं तो उसमें ओरिजिनलिटी नहीं रहती है। सो दैट इज द वे दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिबेटेबल, वेदर वी शुड हैव ट्राइबल टूरिज्म, हाउ मच ट्राइबल टूरिज्म, वेयर ऑल ट्राइबल टूरिज्म, What kind of a tribal tourism? तो इस पे कई सालों से रिसर्च हो रही है, काफी काम हो रहा है। We can always think about it, we can plan about it, but yes, certainly I share, I agree जो आप कह रहे हैं।
लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि पूरा इंडिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर एक जगह प्रमोट नहीं हो सकती, तो हमें कुछ सेलेक्टिव जगहों को पहले करना होगा। पर जो आपने बात कही अभी डोमेस्टिक टूरिज्म, इस कोरोना के टाइम में एवरीबडी शुड ट्राई एंड प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म, यानी कि अपने आसपास का 40-50 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें हम क्या कर सकते हैं, दैट वी शुड फोकस एंड वी शुड प्लान। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। गुड, तो आपके सारे पॉइंट्स हमने लिए, और बजट ट्रैवल पे मेरा अगेन क्वेश्चन है, दो तरह का टूरिज्म होता है, एक होता है मैस टूरिज्म, एक होता है सेलेक्टिव टूरिज्म, फिर उसके बाद एक होता है हाई स्पेंडिंग टूरिज्म, एक होता है लो बजट टूरिज्म। द वर्स्ट पार्ट ऑफ टूरिज्म इज मैस टूरिज्म एंड लो बजट टूरिज्म। अब देखिए, नॉट पॉइंटिंग आउट एनी कल्चर और एनी सोसाइटी, लेकिन बहुत सारे लोग एक स्टेट से एक बस में गैस का चूल्हा भी रखते हैं, राशन भी रखते हैं, ड्राई राशन भी रखते हैं, आटा भी रखते हैं, दालें भी रखते हैं, सारी चीजें रखते हैं, बिस्तर भी रखते हैं, तंबू भी रखते हैं, और एक दूसरी स्टेट में जाते हैं, अपना तंबू गाड़ते हैं, अपना खाना बनाते हैं, वहां थोड़ा सा गंद डालते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं, और फिर आगे निकल जाते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। तो मैं आज उस कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता, बिकॉज इट्स नॉट गुड ऑन माई पार्ट, माई इथिक्स डजंट रिमाइंड एंड इट डजंट अलाउ मी, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी है जो देखना तो सब कुछ चाहते हैं, ट्रैवल तो हर जगह करते हैं भारत में, लेकिन सिर्फ गंद छोड़ के आते हैं, वहां पैसे कोई खर्च नहीं करते, उनकी जो बस होती है उस बस में सारा सामान, सारा माल भरा होता है, और वो वहां सिर्फ और सिर्फ जिन जगहों को विजिट करते हैं वहां जाके कुकिंग करते हैं, वहां जाके तंबू लगाते हैं, और सुबह 6 बजे क्या करते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद पता होना चाहिए, बिकॉज 6 बजे हम सब करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो टू नेक्स्ट काइंड ऑफ टूरिज्म, चलिए आगे। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन बोल रहे हैं, चलिए चलिए फटाफट, नेक्स्ट कौन बोल रहे हैं भाई, नेक्स्ट कौन बोल रहे हैं, देखो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, मैं तो वेट कर रहा हूं भाई। चलिए अतुल नेक्स्ट बोलिए, अमित एंड रितिका, रितिका, अमित, यस सर, हाँ रितिका बोलिए, आपके क्या व्यूज हैं, हमने आज एडटेक प्लेटफॉर्म फॉर टूरिज्म की बात की, एप्स की बातचीत की, 360 डिग्री वर्चुअल टूरिज्म की बातचीत की, हमने आज आपके स्टार्टअप्स की बातचीत की, हमने आपको ये भी कहा कि कल हम आपको सारे स्टेप्स भी बताएंगे कि हम किस तरीके से क्या क्या चीजें करेंगे, कैसे उसको आगे लेके चलेंगे, दैट ऑल्सो वी डिस्कस टूडे, और उसके अलावा बताइए मुझे नाउ एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड, फिर हमने अभिनव के रैप की भी बातचीत की, बताइए।
और फिर कविता ने डोमेस्टिक टूरिज्म की बातचीत की, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बातचीत की, पॉसिबल टूरिज्म की बातचीत की, नए सर्किट्स की बातचीत की, सोशल मीडिया की बातचीत की, ब्लॉगिंग की बातचीत की, छत्तीसगढ़ टूरिज्म की बातचीत की, और फिर हमें डराया थोड़ा सा, तो फिर आगे चलो अब। रितिका यस सर बोलिए, आपके व्यूज क्या है? थोड़ा जल्दी जल्दी करें बच्चे, इतना टाइम नहीं है देखो। ओके, यू डोंट वांट टू टॉक टुडे, वी विल टॉक टुमारो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आप सब लोगों के साथ यही बातचीत करना चाह रहा हूं। दिस वीक आई एम गिविंग योर टीजर। अमित, हाँ या अमित, प्लीज गो अहेड। सर मैं थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहता हूँ, मतलब करो ना अमित सर। लाइक जैसे अभी कविता ने बोला कि मतलब जैसे छत्तीसगढ़ में वो अटैक्स की वजह से लोग विजिट करना पसंद नहीं करते, तो अभी जैसे सर कोलकाता में भी चल रहा है अभी, मतलब जैसे अभी कोविड के करके ना वहां से लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो कोलकाता छोड़ के, क्योंकि वहां पे भी सोच रहे लोग सेफ नहीं है, लाइक कोविड के करके वहां सेफ्टी एंड वो सब चीजें प्रोवाइड नहीं हो रही है कि, तो इसलिए वहां से भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं लॉन्ग वीकेंड के लिए जा रहे हैं किसी दूसरे सिटी वगैरह में, तो इसमें भी फिर हमें कुछ मतलब लाइक कोलकाता वगैरह को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए रिगार्डिंग सेफ्टी एंड दिस, तो ये सर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज जहां भी आप ट्रेवल करेंगे, जब भी आप ट्रेवल करेंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूरिज्म। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस आई टोटली एग्री विद यू। यस सर दैट्स इट सर, यही था सुबह पढ़ा था तो वही बता। वेरी गुड वेरी गुड। और दूसरा ये है कि आप अच्छे बच्चे हैं, आपने नाम दे दिया। मैं उन टूरिस्ट का नाम नहीं ले रहा था जो मैं बस की बात कर रहा था, राशन की बात कर रहा था, अपने गैस सिलेंडर, अपने तंबू की बात कर रहा था, वो वेस्ट बंगाल टूरिस्ट की ही बात कर रहा था मैं। Okay. वो आपको सिक्किम में मिलेंगे, उनकी अपनी बस होगी, बस के ऊपर गैस का सिलेंडर होगा, वहां ड्राई राशन होगा, सारे अंदर ही बैठे होंगे, पूरा तंबू होगा, पूरी रात ट्रेवल करेंगे, और सुबह जो टॉयलेट है वो भी आपके यहाँ जाके करेंगे, अलग अलग जगहों में करेंगे, वहां पे ऑर्गेनिक खेती में आपकी मदद करेंगे, और वो सारी चीजें छोड़ के अपना राशन वहां पे ड्राई छोड़ के और वहां से भाग जाएंगे। तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग, तो हमको उसको बदलना है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू डू न्यू थिंग्स अबाउट दैट, दैट इज समथिंग वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। यस ओके, किसी का और कोई सजेशन हो तो बताइए, एनी अदर सजेशन। अगर अतुल का माइक ठीक हुआ हो तब ले सकते हैं, किसी और का। ये BTTM 7th सेमेस्टर स्टूडेंट, ये तो अतुल ही है। ओके और कोई? हाँ सौरभ। अभी अमित ने बताया कुछ प्लेसेस का और कविता ने बताया। हाँ तो सर ये ऐसा लग रहा है अगर हमें टूरिज्म को और डेवलप करना है, क्योंकि इस सिचुएशन को देखते हुए, कोविड सिचुएशन को देखते हुए, तो सर हमें और अच्छे से इको टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए सर हर प्लेस पे, क्योंकि अब सर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम्स हो गई थी, लोग इस समय डरे होंगे सर, तो वो ऐसी प्लेसेस पे जाना पसंद करेंगे जहाँ सर ग्रीनरी हो, कुछ ऐसी प्लेसेस, तो हमें सर अभी इको टूरिज्म को और डेवलप करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 100% आई एम विद यू, क्योंकि आज से एक महीना पहले मैंने और चित्रा मैम ने इको टूरिज्म पे एक वेबिनार किया था, और इको टूरिज्म की सारी चीजों को हम लेके चले। इको टूरिज्म को आप ग्रीन टूरिज्म कहिए, इसको नेचर टूरिज्म कहिए, इसको फ्लोरा एंड फौना टूरिज्म कहिए, इसको वाइल्ड लाइफ टूरिज्म कहिए, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टूरिज्म कहिए, इसको टाइगर रिजर्व टूरिज्म कहिए, इसको फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर टूरिज्म कहिए, इसको सॉफ्ट एडवेंचर टूरिज्म कहिए, और आप इसे कुछ भी कहिए। और सुनील दत्त जी के तो ज्यादातर जितने भी फिल्मों के गाने हैं, मुझे लगता है यश चोपड़ा जी को नेचर बहुत पसंद थी। आप जितने भी गाने उठा के देखेंगे पुरानी फिल्मों के, सुनील दत्त जी ने सारी शूटिंग जो है वो पहाड़ों में, नदियों में और ऐसी जगहों में की है जहां ग्रीनरी है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को लेकर चलते हैं। और इन सब के ऊपर बहुत सारी चीजें, बिल्कुल ठीक बात है, इको टूरिज्म पे जो हमने पहले प्रोग्राम किया था उसको हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, वी विल वर्कआउट ऑन दैट। कल मैं आपको इको टूरिज्म वाली भी सारी चीजें, हो सकता है आज रात को ही हम गोल्फ टूरिज्म से पहले जो कुछ हमने टूरिज्म में अभी तक कवर किया है
मैं चित्रा मैम के साथ आज आपको पूरे जितने भी हमने वेबिनार किए हैं उसको वो आपको बहुत काम आएंगे। जो पुराने हमने वेबिनार किए हैं वो आप कभी भी देख सकते हैं और अगर आप उनको देखेंगे आपको इतने आइडियाज मिलेंगे। और अब मेरा एक ही काम है जो मैं बहुत सीरियसली सोच रहा हूं कि हमको कुछ नया सोचना है, हमें कुछ नया सोचना है। अगर हमको जैसे मान लीजिए आज इसने बहुत अच्छी बात करी, प्रियंका ने बात करी मार्केटिंग की, ठीक है, सो मार्केटिंग पे हम, शी वॉन्ट्स टू बी ए वीडियो मार्केटर। उसी तरीके से कविता ने बातचीत की ब्लॉगर, और मैं अभिनव की बातचीत करूंगा तो रैप फॉर टूरिज्म, और जैसे तुमने इको टूरिज्म की बातचीत की। अब जैसे तुम्हारे को इको टूरिज्म का इंटरेस्ट है, मान लो इको टूरिज्म का मान लो इंटरेस्ट है, तो आजकल तो यार सारी है रियल में है सर, रियल में नहीं है, रियल में। बहुत अच्छी बात है, तो मैं आपको एक ऐसी संस्था बता दूंगा जो इको टूरिज्म की स्कॉलरशिप देती है लैटिन अमेरिका जाने के लिए, जिसकी स्कॉलरशिप पे मैं गया था। आई विल टेल यू दैट ऑर्गेनाइजेशन, आई विल गेट यू अक्रॉस टू दोज पीपल। अगर वो कोई रिकमेंडेशन लेटर मांगेंगे तो एज ए चेयरमैन आईटीएफटी ग्रुप मैं तुम्हें वो रिकमेंडेशन लेटर भी दे दूंगा। जब मैं रेन फॉरेस्ट पहली बार देखने गया था, रेन फॉरेस्ट, उसके बाद मैं वहां से वापस नहीं आना चाहता था। अगर फैमिली ना होती, बच्चे ना होते, परिवार ना होता, ये सब चीज ना होती तो मैं वहीं वहीं रह जाता अमेज़न में और कभी वापस ना आता। और रेन फॉरेस्ट का इको टूरिज्म जो था वहां का, आप सोच ही नहीं सकते, मिस्टिक मिस्टिक टूरिज्म, वो जो पानी की बूंदें, वहां की ओस, वहां की हल्की हल्की बारिश, वहां के उन पत्तों के ऊपर कुछ पानी रुका हुआ, कुछ पानी नीचे टप टप करके गिर रहा, तो मेरे को लव स्टोरी 1942 याद आती थी अनिल कपूर की, आहा। और वहां से रुम झुम रुम नंग नंग नंग, बड़ा अच्छा गाना था ना उसका, एक गाना कविता कृष्णमूर्ति के साथ, लव स्टोरी 1942 का एक गाना है, उसको जरूर सुना, वो है चलते हैं पता नहीं ऐसा ही है कुछ, पता नहीं है, रुम झुम रिम झुम रिम झुम न 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 चलते हैं। एआर रहमान का म्यूजिक है लव स्टोरी 1942, और कुमार सानू और कृष्णमूर्ति, कविता कृष्णमूर्ति का गाना है, आह। और एक और जगह नहीं तो फिर वो थोड़ा उदास गाना है, वो नहीं गाना, हम तो खुशी वाले लोग हैं, हमको उदास कोई गाना नहीं गाना, नहीं तो फिर वो एआर रहमान का वो गाना, बेचारा पहाड़ पे खड़ा होके, तू ही रे तेरे बिना, ये भी तो है ना, दैट इज समथिंग अगेन एआर रहमान। लेकिन लव स्टोरी 1942 के सॉन्ग सुनोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, वो रेन फॉरेस्ट में और सब चीजों, उसकी सारी शूटिंग अभिनव के यहाँ हुई है, डलहौजी में, चंबा में, खजियार में, और जो थोड़ा सा आगे चले जाओ तो उस एरिया में सारी शूटिंग हुई थी, क्योंकि उस समय विधु विनोद चोपड़ा जी को परमिशन नहीं मिली थी जम्मू एंड कश्मीर में शूटिंग करने के लिए उस मूवी की, लव स्टोरी 1942, बहुत खूबसूरत है और बहुत बढ़िया है। तो आज रात को मिल रहे हैं 8 बजे, तो मुझे ये लग रहा है कि देखो आइडियाज तो सभी के अच्छे होते हैं और आइडिया के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो हमने 100 रुपए पहला किसको दिया भाई आज, 100 रुपीज किसके कहे थे हमने, नहीं अभी तो 100 रुपीज आज तो कहे नहीं, कल रात के हैं, मैं यहाँ लिखा प्रियंका सर, प्रियंका को कहे थे आपने, अच्छा प्रियंका को कहे थे, किस लिए कहे थे, ऑनेस्टी के, ऑनेस्टी के 100 रुपीज, ऑनेस्टी के, ये हो गया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के 100 रुपीज, ओके। सो मेरे हिसाब से प्रियंका के साथ जितनी बातचीत करी है, क्योंकि प्रियंका ने फिर सूरजकुंड भी, गीता भी, लोकल इन्फ्लुएंसर, वेंकटेश्वर, तो 100 रुपए इसके और बनते हैं, तो 200 रुपए प्रियंका के आज के, उसके बाद कविता के भी 100 रुपए बनते हैं, क्योंकि इसने 5 बातें करी हैं, डोमेस्टिक टूरिज्म, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म,
और फिर इसने कहा पॉसिबल टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल से पॉसिबल टूरिज्म, ये बड़ा अच्छा शब्द मुझे लगा। मैं रात को लोगों को ये नहीं कहूंगा कविता ने मुझे बताया था, मैं तो अपना ओन करूंगा ना, कविता का नाम थोड़ी लूंगा मैं तो ये कहूंगा कि मेरा आइडिया है, ठीक है ना, चलो मजाक कर रहा हूं, मैं बोलूंगा कि ये कविता का आइडिया है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद इन्होंने कहा न्यू सर्किट, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ब्लॉगिंग, आप ब्लॉगिंग शुरू करो, आप हमारे चेंबर के साथ ब्लॉगिंग शुरू करो, वी विल ट्राई एंड इन्वॉल्व यू विद आवर चेंबर एंड वी विल प्रमोट यू द बेस्ट पॉसिबल वे। आपका कोई ना कोई ब्लॉग हम आपका कोई ना कोई ब्लॉग 12 अगस्त को लेके आना चाहेंगे, आप 12 अगस्त को ब्लॉगिंग की बातचीत कीजिएगा। और प्रियंका आप 12 अगस्त को वीडियो मार्केटिंग की बातचीत कीजिएगा, वीडियो मार्केटिंग की। और सौरभ तुम 12 तारीख को इको टूरिज्म की बातचीत करना, इको टूरिज्म की, ठीक है, आप 12 को इको टूरिज्म की बातचीत करना 12 अगस्त को, ओके। और जो अभिनव है, अभिनव के हम रैप की बातचीत करेंगे 12 अगस्त को। भाई इसकी शक्ल, भाई अभिनव कल तो तुम्हें शक्ल दिखानी पड़ेगी, जब तक मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा फिर तो ऐसे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ना, मैं तो जानता ही नहीं कि अभिनव कौन है, कल दिखा देना शक्ल, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तू बड़े बड़े बाल रख ले, कल मेरी तरह छोटे बाल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आज तू अपने बड़े बड़े बाल रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काली सी फोटो लगा ले, लाइफ लाइफ। सर रियल में भी उसके लंबे बाल ही है। अच्छा ओके, तो कल कल अभिनव मैं आपको देखना चाहूंगा, कल परमात्मा साक्षात हो जाए और देवी देवताओं को दर्शन दे और सबको पता लगे कि भाई जितने भी आपके क्या बोलते हैं आपके टेम्पल में आए हैं माथा टेकने, प्रभु प्रकट हो कल। तो कल शुक्रवार का दिन है, यस अच्छा है, कल वैसे देवियों का दिन है, शुक्रवार तो देवियों का दिन होता है क्योंकि दुर्गा माँ और ये माता वैष्णो देवी सारा कुछ है, और उसके हिसाब से वर्कआउट करेंगे। और अतुल को रिक्वेस्ट करेंगे कि ब्लू टी शर्ट चेंज करे, कुछ और फोटो लगाए, क्योंकि ये शनि देवता वाली शर्ट इसने कई दिनों की पहनी हुई है, तो भाई इसको शनि देवता वाले को चेंज करो, हम तेल तूल चढ़ा देंगे शनिवार को, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कहता है जॉय जॉय। अच्छा बीटीटीएम जॉय, ओके बीटीटीएम 7th सेमेस्टर जॉय जॉय, थैंक यू जॉय। अभी चित्रा मैम ये जॉय कौन है? जॉय मेरे पास तो नहीं कोई भी शो हो रहा सर। भाई मुझे तो शो हो गया। अच्छा अतुल ही है, अतुल ही है, ओके अतुल की फोटो है। चलो विद दिस वी फिनिश टुडे सेशन। अब चित्रा मैम 2 दिन मैं आपको और दे रहा हूं, कल और परसों का, और मंडे से आपका जो थ्योरी है, जो थ्योरी है, जो ड्राई है, जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी वाला है, जो बिल्कुल ड्राई पार्ट है, वो चित्रा मैम कवर करेगी। जो जो प्रैक्टिकल है, जो हंसाने वाला है, जो म्यूजिकल है, जो एंटरटेनिंग है, जो एडटेक प्लेटफॉर्म है, वो सारा मैं एज ए डिक्टेटर कवर करूंगा, क्योंकि चित्रा मैम को मैं सारा ड्राई पोर्शन दे दूंगा कि चित्रा मैम आप इनको 35 मार्क्स दिला दो ताकि कोई भी बच्चा फेल ना हो, बाकी 65 मार्क्स जो हमारे हैं वो वी विल रिमेन हैप्पी, वी विल एंजॉय and we will meet tomorrow morning at 10:30 और रात को मिल रहे हैं 8 बजे। भाई अपने दोस्तों को शेयर करो ना, आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आ रहे हो, जो मेरे को आज रात को कहेगा कि देखो मैं अपने साथ 5 लोगों को लेके आया और उनके नाम पोस्ट करेगा तो मैं वहां अनाउंस भी करूंगा और आपको 100 रुपीज का इनाम भी दूंगा। अब मैं एक बार नोट कर लूं यार, मैं भूल ना जाऊं, प्रियंका के हो गए 200 रुपए और कविता के हो गए 100 रुपए, ठीक है चित्रा मैम नोट कर लो, और बाकी फिर हम कल मिलते हैं इन लोगों से। आपने चित्रा मैम कुछ बताना हो आपके ड्राई सिलेबाई के बारे में तो प्लीज बता दीजिए। जी सर। जी तो बच्चों वही है कि मंडे को विल स्टार्ट विद टूरिज्म सर्विसेज एंड टूरिज्म प्रमोशन and then Tuesday and Wednesday this time we'll take on with some other subject, kyunki jaise sir ne bataya accountancy aapko 20 august ke baad hoga, to Tuesdays and Wednesdays ko aap aise padhenge, to is bar hum Tuesday Wednesday ko apne hi subjects padhenge, ya agar ho saka to I'll start a very basic
of accounts. Let's see with that. And then afterwards, on Thursday, we'll do a brief about outbound tourism or Europe or America. ये है और उसके बाद फ्राइडे को विल टेक ऑन विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी राइट. सो ये अभी है तो मंडे को हम स्टार्ट करते हैं टूरिज्म सर्विसेज के साथ. और कविता सर अगर आपकी इजाजत हो तो आपने सुबह सुबह पूछा था रितिका से भी गाना गाने को और कविता को भी शायद या शायद रितिका को, तो हम सब साथ मिलके क्योंकि आज सर ने जैसे बताया कि इंडिया 41 इयर्स के बाद मेडल लेके आया है. नो डाउट थर्ड प्लेस मैम, एक और मेडल मैम, एक और मेडल लवलीना का मैम, ब्रॉन्ज मेडल मिल गया मैम, ब्रॉन्ज मेडल लवलीना को मिला मैम. अच्छा तो नहीं हॉकी में, बिल्कुल ठीक है बेटा हॉकी में क्या है तो देखो वो गाना सर का याद आ रहा था. सॉरी सौरभ क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं सौरभ मैम, वो लवलीना नहीं है मैम, लवलीना को ब्रॉन्ज मेडल मिला मैम. अच्छा ये अभी मिला होगा, मैंने सुबह की न्यूज देखी थी, मे बी अभी अभी मिला होगा, आज मिला है ये मैम, आज शायद रात में मिला है मैम, मैंने रात में शायद देखा. ठीक है तो मैंने सुबह न्यूज ऑन करी हुई थी तो सब जगह फ्लैश हो रहा था कि इंडिया ने 41 इयर्स के बाद हॉकी में मेल्स ने जीता है. और जैसे सर ने भी हमें बताया तो सर वो हम सब एक साथ अगर बचे भी मतलब सारे वो प्रियंका रितिका आप कह रहे थे कि मैम कौन सा गाना गाएं है ना, तो वो वाला गाना गाइए चक दे कुछ करिए, चक दे इंडिया कुछ करिए, कुछ करिए चक दे इंडिया. सारे अपना अपना सारे अपना अपना माइक अनम्यूट करो और चित्रा मैम वो वहां से निकालो ना गाना, क्योंकि 30 सेकंड का तो परमिटेड है आपको, 30 सेकंड का परमिटेड है या हमने गाना है सर, हम ऑफलाइन है, हम बिल्कुल जितना मर्जी कर सकते हैं, हम तो इंटरनल मीटिंग में है. मैं कुछ और कह रहा था सर, एक और मैं कह रहा था यूट्यूब से उठाना है 10 सेकंड के लिए अगर आप चाहें तो. हाँ सर, हाँ जी सर, शेयर करूं सर, मैं लेता हूँ ये लीजिए. माइक कौन करो फिर, चलो सारे गाएंगे साथ में आज पहले इंडिया के लिए. करिए 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 निकालिए गाना, कहाँ है निकालो चित्रा मैम. जी सर जी सर, देन वी विल क्लोज इट. शाबाश. गाओ भाई, गाओ गाओ गाओ. इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, इतने प्यारे प्यारे गाने हैं. ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे. कितना अच्छा गाना था. फिर एक वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला. और देखो एग्रीकल्चर टूरिज्म में कितना अच्छा गाना है, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती. कितने अच्छे अच्छे गाने हैं देश के, इतने प्यारे प्यारे गाने हैं. और वैसे अब चित्रा मैम कहाँ गया तुम्हारा चक दे. इन लोगों की एज में तो वो गाने याद आएंगे, मदन मोहन के आ गया, इनको दिखाना नहीं है. 30 सेकंड से ज्यादा मत दिखाना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी. चलिए क्या हो गया, चक दे इंडिया, क्या हो गया.
सब गाएंगे। रोके थोड़ी चलाना है, गाना चलाना है, गाना चलाओ ना, रोके थोड़ी चलाना। हाँ गाना चला दीजिए चित्रा मैम, गाना चला दीजिए। आपने करोके चलाया है, हाँ वो थोड़े दिन इनको बेचारों को सबको इकट्ठे लेके चलना है ना, हम सब लोगों को इकट्ठे, क्योंकि जब गाना चल रहा होगा किसी का नहीं पता लगेगा कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा, किसको क्या पता लगेगा सुर कहाँ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लगता है सेंस ऑफ ह्यूमर हो, डैशिंग हो कभी कभी। चलिए एक दिन में ज्यादा देशभक्ति दे दोगी तो सब भाग जाएंगे प्लीज। थोड़ी थोड़ी देशभक्ति दो, थोड़ी थोड़ी डोज दो। होम्योपैथी से स्टार्ट करो, फिर आयुर्वेदा में जाओ, फिर एलोपैथिक पे आओ, तो फिर उसके बाद आप इंजेक्शन लगाना अपने सब्जेक्ट का, ड्राई सब्जेक्ट का। चलो ओके चलिए, सो विद दीज वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ चित्रा कपूर मैम and on behalf of all our wonderful participants, wishing you all a wonderful day ahead and may God bless all of you. Milte hain ek break ke baad raat ko 8 baje, tung tung, hum log 8 baje milte hain. Aur jo apne saath, jo apne saath apne 5 doston ko leke aayega aur wahan par likhega YouTube mein ki mere saath aaj mere ye 5 dost aaye hain, 100 रुपीज अपने अकाउंट में इमिडिएटली डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू गेट 100 रुपीज। लेकिन लिखना है वहां पर भाई, लिखना है वहां पर कि मैं अपने साथ 5 लोगों को लेकर आया। चित्रा कपूर अभी आपको क्रिएटिव भेज देंगी, अभी दोपहर हुई है, थोड़ा दिमाग लगाइए। और मेरी रिक्वेस्ट है, सोते जागते बैठते उठते खाते पीते हंसते, रोते मत कहो, खाते पीते हंसते सिर्फ टूरिज्म 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 सोचोगे तो यू विल एंजॉय। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, यू ऑल आर वंडरफुल। आस्ता आस्ता मुझे समझ आती जाएगी कौन कैसा है, किसका क्या इंटरेस्ट है, और मैं आपको कमिट कर रहा हूं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं किसी को ना तो अनएम्प्लॉयड रहने दूंगा, ना मैं आपको कहीं ना कहीं पहुंचा दूंगा, मैं आपको कहीं ना कहीं पहुंचा दूंगा। इतने दोस्त हैं पूरे वर्ल्ड में, इतने दोस्त हैं, इतने लोग हैं जान पहचान के, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे जहां भी आप पहुंचना चाहेंगे। और अगर आप छत्तीसगढ़ के रास्ते से भी जाना चाहेंगे तो वहां से भी आपको ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और सूरज कुंड भी देखने जाएंगे, और फिर उसके बाद हम गीता जयंती भी एंजॉय करेंगे, और उसके बाद वेंकटेश्वरा मंदिर, मैं धोती कुर्ता पहन के, इमेजिन डॉक्टर गुलशन शर्मा पुटिंग ऑन धोती एंड कुर्ता एंड एंजॉयिंग इडली फ्री ऑफ कॉस्ट गिवन बाय प्रियंका विद डोसा एंड विद उत्तपम राइट इन कुरुक्षेत्र, वी ऑल विल एंजॉय। थैंक यू, एंड ऑन बिहाफ ऑफ चित्रा कपूर मैम, थैंक यू।